सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एक बार जो लोग ऑनलाइन आ गए हैं बता दीजिए आवाज आ रही है आप लोगों को, ताकि हम वीडियो शुरू कर पाए। 52 वीक का हम लोग यहाँ पर आज सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ था कल, राइट। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि आपको आवाज प्रॉपरली क्लियर है। ताकि हम शुरू करें 52 वीक का जो हमारा पेपर हुआ था उसको हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग का टेस्ट पेपर नंबर 8 था ये। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं जो इस पेपर के साथ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ पर आपके जो टॉस, सॉम और एस्टिमेशन कोस्टिंग और सॉइल मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे आपसे पेपर के अंदर, उनको अभी हम डील करेंगे। वो मेरे द्वारा कंप्लीट करा जाएंगे, बाकी के अदर सब्जेक्ट्स अदर फैकल्टी मेंबर डील करने वाले हैं। तो एक बार आप कंफर्मेशन दे दीजिए आवाज प्रॉपरली क्लियर है, ताकि हम शुरू करें अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस। आप लोगों ने पेपर दिया ही है तो आप लोगों को पता होगा सॉम टॉस के क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू हो रहे थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 से हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे थे। दोनों ही लैंग्वेज को यदि हम देखते हुए चले तो क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने है, राइट। चलिए आवाज प्रॉपरली क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 26 शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जिन लोगों ने भी पेपर दिया था, जो भी सॉल्यूशन जानने के इच्छुक हैं, जिनको लगता है हमारा कहीं कोई डाउट रह गया था, उनके लिए बेसिकली हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का स्टार्ट किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आप लोग क्या आंसर मार्क करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आप लोग क्या आंसर मार्क करके आए हैं। जल्दी से जल्दी सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, पेपर हमने शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आप लोग क्या आंसर मार्क करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने है, बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड होता है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स जो एक जॉइंट पर मिलने वाले होते हैं उनका टोटल सम क्या होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में और सभी लोग लाइव आ जाइए यहाँ पर और लाइक करते रहिए बराबर से। तो आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट अ जॉइंट, यदि हम इसको नाम दे दें ए बी और सी, ठीक है, ये ओ मान लीजिए, ये एंड फिक्स है, ये एंड भी फिक्स है और ये एंड हिंज है। तो आपको पता है कि यहाँ पर इन सब के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन हम टोटल की बात करें टोटल का सम कितना हो निकल के आएगा, 1। तो यहाँ पर इसके लिए करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का बताइए फटाफट से लोग क्या आंसर मार्क करके आए हैं। आप लोग सभी लोग बताइए यहाँ पे, कमेंट भी करना है आप लोगों को, सिर्फ वीडियो ही नहीं देखना है, कमेंट भी करते जाना है। आप लोगों के लिए ही सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। द स्ट्रक्चर विच इज रिजिड बट हैज एन असेंबली ऑफ इलास्टिक मेंबर्स जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल्स टू एक्ट एज अ बीम इज कॉल्ड एज। आप लोगों को पता है कि ट्राइंगल्स से मिलकर के कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, ट्रस, ठीक है। इलास्टिक मेंबर्स होते हैं ये आपका माना जाता है अजम्पशंस के अंदर, राइट। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर से जो मिलकर बना होता है उसको क्या बोला जाता है, ट्रस। तो यहाँ पर इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। बहुत बढ़िया, यहाँ पे नोबिता ने आंसर दिया है डी, आलोक कुमार ने भी आंसर दिया है डी। आई थिंक आप लोगों ने पेपर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा उनको समझ में आ गया होगा। दिखने में शायद ऐसा लग रहा होगा कि काफी टिपिकल क्वेश्चन है, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है एफ जो एक्ट कर रहा है हिंज सी पे, सारे के सारे जो जॉइंट्स है वो आपके क्या है, पिन जॉइंटेड है, ठीक है। तो ये आपका ट्रस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया ऑफ द बार्स ऑफ सिस्टम शोन इन फिगर। द फोर्स इंड्यूस्ड इन द बार सी डी, इस वाले बार के अंदर आपसे फोर्स पूछा गया है, मेंबर सीडी के अंदर आपसे फोर्स पूछा गया है। शशि शेखर ने आंसर दिया है डी,
चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर डी आंसर क्या था, डी आंसर भी देख लेते हैं। डी आंसर जो था आपका जीरो आंसर था, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो डी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है, आप लोगों को सभी को पता है ये दोनों मेंबर्स क्या हो गए, कोलिनियर। ठीक है, ये दोनों मेंबर्स क्या हो गए आपके पास, कोलिनियर। ये दोनों मेंबर कोलिनियर है, मतलब इसके अंदर जितना फोर्स रहने वाला है उतना ही फोर्स इसके अंदर रहने वाला है, इसको फोर्स बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है। दैट मींस इसके अंदर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स। राइट, जीरो फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम दो पढ़ते हैं, बेसिक हमने रूल्स बना रखे हैं। तो ये रूल नंबर वन है कि दो जो फोर्स हो गए कोलिनियर हो गए तो तीसरा परपेंडिकुलर है तो उसके अंदर फोर्स क्या हो गया आपका, जीरो। चलिए आगे चलते हैं, बराबर शेयर करते रहिए। जिन लोगों ने पेपर दिया है उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ में जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस टाइप का हम आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 29 का बताइए क्या आंसर आना चाहिए और आप लोग क्या आंसर मार्क करके आए हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स इन ए बी ऑफ द ड्रेस, ये आपका ए बी मेंबर है, इसके अंदर आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिलो बाय मेथड ऑफ सेक्शन, आपको बोला गया है कि आपको यहाँ पर मेथड ऑफ सेक्शन चूज करना है, और मेथड ऑफ सेक्शन कहां से पास होना चाहिए, ए बी एडी एंड ईडी। ये आपका ए बी रहा, ये एडी रहा और ये ईडी रहा, यहां से पास होना चाहिए आपका क्या, सेक्शन। ये लीजिए, ये हमने सेक्शन पास करा दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी के अंदर फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ए बी के अंदर फोर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यदि आप जॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लेंगे, ठीक है, तो ये वाला फोर्स भी यहां से पास हो रहा है जो कट रहा था, और ये वाला फोर्स भी यहां से पास हो रहा है, तो हमारे पास कौन सा फोर्स बचता है, फोर्स इन मेंबर ए बी, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग द मोमेंट अबाउट डी। राइट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे शशि शेखर ने आंसर दे दिया है सी, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। बाकी लोग भी जो ऑनलाइन हैं सभी लोग यहाँ पर आंसर दें। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख चुके हैं, शेयर कर दीजिए ताकि लोग जुड़ पाए हमसे। आपके सभी दोस्त जितने भी आपके चैनल बने हुए हैं टेलीग्राम वगैरह व्हाट्सएप वगैरह पे, जो आपका ग्रुप बना हुआ है वहां पर भी। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, पुश अप ऑन अ स्मूथ 30° इंक्लाइन बाय अ फोर्स ऑफ 60 N, कुछ इस टाइप की। ये हॉरिजॉन्टल 30° आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो फोर्स है उसका मास दिया हुआ है आपको क्या, 5 kg। यहां से इसको खींचा जा रहा है 2 meter की डिस्टेंस पर, राइट, इंक्लाइन बाय अ फोर्स ऑफ 60 N, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 60 N का। एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, बिल्कुल पैरेलल टू द प्लेन ही हमने लगाया है, मान के चलिए पैरेलल है, राइट। द वर्क डन ऑन द बॉडी इज, आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि वर्क डन कितना होगा, तो बताइए इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वर्क डन आपसे पूछा गया है। आप लोगों को पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना, 2 meter, आपको क्या निकालना है, फोर्स, आप लोगों को पता है। तो यहां पर जो mg लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, mg के दो कंपोनेंट होने वाले हैं, mg cos 30° और यहां पर लगने वाला है क्या, mg sin 30°, राइट। तो नेट फोर्स कितना लगने वाला है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, 60 N का फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और mg sin 30° लग रहा है नीचे की तरफ। तो जो नेट फोर्स लगने वाला है वो लगने वाला है 60 माइनस m की वैल्यू क्या है 5, g की वैल्यू 9.81, sin 30 का मतलब 1/2 into 2 meter, राइट। ये आपके पास नेट फोर्स की वैल्यू है जो यहां लग रही है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर जो मिलने वाला है वो मिलेगा d। यहां पर आपको जो आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा
डी, राइट। तो बताइए सभी लोगों को आंसर यहां पर डी मिल पा रहा है। जो भी लोग लाइव हैं बताइए क्वेश्चन नंबर 30 को कैलकुलेट करने के बाद क्या आपको डी आंसर मिल पा रहा है 70.95? क्या इस डिजिट को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 70.95? कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सो नहीं गए हैं। बताइए फटाफट से, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से, बताइए कि आप लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 भी अगेन जो क्वेश्चन है मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 अगेन। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आपको भी अटेम्प्ट करना कंपलसरी है ताकि जो आप यहां करने वाले हैं वही आप मेन एग्जाम में करने वाले हैं, राइट। इसलिए आपको अटेम्प्ट करना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 31, एन एलिवेटर वेइंग 1000 kg अटेन्स एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 4 m/s इन 2 seconds विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक एलिवेटर है, लिफ्ट है, जिसका वेट कितना है 1000 kg, राइट, अपवर्ड मूव कर रही है, ये आपसे यहाँ पे बोला गया है। वेलोसिटी गिवन है आपको कितनी 4 m/s और आपको टाइम कितना गिवन है 2 सेकंड के अंदर वो 4 m/s की रफ्तार से ऊपर की तरफ चल रही है। आपको बताना है यहां पर जो केबल होगी उसके अंदर टेंशन क्या होगा, राइट, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 ये तो इसका mg नीचे की तरफ काम करेगा, राइट, ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन किसकी तरफ मूव, डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ, राइट। तो एमए कहाँ पे काउंट होगा आपका, ऊपर की तरफ, बिल्कुल सही। चलिए यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं गिवन है लेकिन आपको डेटा गिवन है 4 m/s और 2 सेकंड आपको वहां पर टाइम दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन आप यहाँ पर निकाल सकते हैं v = u + at से। वी की वैल्यू आपको गिवन है 4 m/s, यू की वैल्यू 0, ए आपको निकालना है टाइम कितना दिया हुआ है 2 m/s, तो ए कितना निकल के आ गया 2 m/s². अब आप यहां पर इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन हम यहां लिख देते हैं ma = क्या होगा, ma = t - mg, तो t क्या निकल के आ गया mg + a। जी की वैल्यू आपको पता है 9.81 ले लीजिए या 10 ले लीजिए, ए की वैल्यू 2 निकल के आई है, एम की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 1000 × 12 मतलब कि 12000 न्यूटन, राइट। कई लोग जल्दबाजी में 1200 न्यूटन पे भी आंसर मार्क कर देंगे लेकिन नन ऑफ दीज भी यहाँ पर आंसर गिवन है तो आपको सोच समझ के आंसर यहाँ पे मार्क करना है। हेलो लक्ष्मण, हेलो। चलिए तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, राइट। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, ठीक है। काफी कम लोग आज ऑनलाइन मुझे दिख रहे हैं, शेयर नहीं किया है बराबर से, शेयर करते रहिए ताकि हमें भी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने में मजा आए। चलिए यहां पर जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है एस्टिमेशन कॉस्टिंग का। एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी मैं ही कंप्लीट कराने वाली हूँ। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के क्वेश्चन को। द क्वांटिटी ऑफ ड्राई डिस्टेंपर रिक्वायर्ड फॉर सिंगल कोट या फर्स्ट कोट, दोनों का मतलब सेम ही है, फॉर एन ओवर एन एरिया ऑफ 100 square meters इज, स्टैंडर्ड डेटा है 100 square meters के लिए सिंगल कोट या फर्स्ट कोट के लिए ड्राई डिस्टेंपर की कितनी वैल्यू होती है, क्वांटिटी कितनी होती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। देखिए जितने भी लोग ऑनलाइन हैं कमेंट भी बराबर करते रहिए, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए फर्स्ट कोट है या सिंगल कोट है
उसके लिए ड्राइड स्टेम्पर की वैल्यू होती है 6.5 kg, राइट। सेकेंड कोट के लिए ड्राइड स्टेम्पर की वैल्यू होती है कितनी, 5 kg, याद रखने लायक बात है, ठीक है। मीना जी ने आंसर दिया है 7.5, 7.5 इसका आंसर नहीं है, 6.5 kg इसका आंसर है। कहीं ना कहीं आपको जो वैल्यू है वो गलत याद है। ड्राइड स्टेम्पर सिंगल कोट के लिए जो वैल्यू होती है 6.5 kg और सेकेंड कोट के लिए होती है 5 kg, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर आपसे पूछा गया है द अजम्पशंस ऑन विच द ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम्स इज बेस्ड इज। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर कुछ अजम्पशंस मानी जाती हैं। वो अजम्पशन आपको चारों ऑप्शन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं सभी को रिप्लाई भी करना है और शेयर भी करते रहना है बराबर से। 33, the end sections are parallel planes. ये assumptions भी बिल्कुल सही है। Second क्या कह रहा है? The mid area of a pyramid is half of the average area of the ends. क्योंकि हम जो इसका formula लिखते हैं, वो लिखते हैं volume is equal to L D1, sorry, A1 by AN divided by 2 plus A2 plus A3, कुछ इस type से हम formula लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है आपका ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले का। तो ये अजम्पशंस भी आपके यहाँ पर सही है। द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्मॉइडल इज ओवर एस्टिमेटेड एंड हेंस अ प्रिज्मॉइडल करेक्शन इज अप्लाइड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि प्रिज्मॉइडल फॉर्मूला से जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो ज्यादा आती है, ओवर एस्टिमेटेड आती है, इसलिए वहां पर हमें करेक्शन रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जितने भी लोग लाइव हैं कमेंट भी करना है, आंसर भी बताना है आप लोगों को, क्या आंसर आप लोग मार्क करके आए हैं या क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट बताना है आपको, राइट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 34, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लैंड इज द एवरेज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द बोरो पिट एंड द प्लेस ऑफ द स्प्रेडिंग सॉइल। तो ये डेफिनेशन क्या है लैंड की, बिल्कुल सही है। लैंड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है जहां पर गड्ढा खोदा गया है और जहां पर हमको, जहां से हम सॉइल ला रहे हैं, ठीक है। बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द लैंड इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ब्लॉक ऑफ द एक्सकेवेटेड एरिया। ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, सही है। तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। द यूनिट ऑफ लैंड इज 50 meters फॉर अ डिस्टेंस अप टू 500 meters। ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, यहाँ पर सही है। क्योंकि लैंड के लिए यदि हम बात करें, यदि हम लैंड के लिए बात करें तो जो डिस्टेंस होती है 5 to 500 या लेस देन, हम लिख दें इसको लेस देन 500 है आपके पास, तो आपके पास जो डिस्टेंस होती है वो होती है 50 meters, राइट। यदि आपके पास 500 है तो आपकी जो डिस्टेंस कैलकुलेट होती है 5 kilometers, राइट। और आपके पास, सॉरी, 500 से 5 kilometers है तो आपके पास जो डिस्टेंस होती है, लैंड की वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 500 meters, राइट। तो आपके पास जो आपका सेकंड क्राइटेरिया है, द यूनिट ऑफ लैंड इज 50 meters फॉर डिस्टेंस अप टू 500 meters, तो सेकंड जो क्राइटेरिया है वो इसके अंदर फुलफिल हो रहा है। और तीसरा जो डी ऑप्शन है, द यूनिट ऑफ लैंड इज 1 kilometer वेयर द लैंड एक्सिस एक्सीड्स 2 kilometers, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि इसके लिए क्या वैल्यू होती है, 500 meters, राइट। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर
34 है, उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए डी। डी क्या है यहाँ पे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जितने भी लोग ऑनलाइन हैं सभी को आंसर्स भी देने हैं ताकि पता चले आप लोग क्या आंसर मार्क करके आए हैं और कहां पर आप लोगों के डाउट है। किसी को कोई डाउट भी है तो वो पूछ सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे 35 के अंदर पूछा गया है मैक्सिमम टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाय मास पर 50 केजी ऑफ सीमेंट। आपको बताना है मैक्सिमम टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट पर 50 केजी ऑफ सीमेंट टू बी टेकन एज सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट फॉर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है उसने कि आपको कौन सा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए बताना है, M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए, राइट। तो इसकी वैल्यू कोडल प्रोविजन के द्वारा फिक्स है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 250 kg, राइट। 250 जो है उसका करेक्ट आंसर है, केजी के अंदर आपसे पूछा गया है यहाँ पर। इसकी वैल्यू अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग वेरी करती है। M20 के लिए आपको पता चल गया कितना है, 250, राइट। M15 के लिए इसकी वैल्यू होती है 350, राइट। M10 के लिए इसकी वैल्यू होती है 450, ठीक है। और यदि हम आगे की बात करें 250, 350, 450, और यदि हम आगे की बात करें कि M7.5 के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 625, और M5 के लिए इसकी वैल्यू होती है 800, राइट। तो ये कोडल प्रोविजन है जो वैल्यू क्या है यहाँ पर, फिक्स है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए किसी को कोई डाउट है यहाँ पर, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका अगेन एस्टिमेशन कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर आपसे बोला गया है द कॉन्क्रीट वर्क फॉर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि स्क्वायर मीटर के अंदर किस किस को मेजर किया जाता है, बताइए इसका क्या क्वेश्चन का आंसर मार्क करके आए हैं आप लोग 36 का। यहाँ पर आप लोगों को पता है फ्लोस को भी स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर किया जाता है फॉर अ गिवन थिकनेस, और डीपीसी को भी। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी। निधि ने आंसर दिया है सी, बिल्कुल सही, यहाँ पर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37, बताइए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए क्या आंसर मार्क करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, द नॉमिनल लेड एंड लिफ्ट अलाउड फॉर द अर्थवर्क इन द एक्सकेवेशन ऑफ द फाउंडेशंस आर। लेड और लिफ्ट की नॉमिनल वैल्यू आपसे यहां पर पूछी गई है, बताइए लेड एंड लिफ्ट की नॉमिनल वैल्यू क्या होती है। थर्टी सेवन में काफी लोगों ने आंसर दे दिया है सी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है, 30 मीटर एंड 1.5 मीटर होती है लेड एंड लिफ्ट की वैल्यू। लेड आपने पढ़ चुके हैं, अभी हमने पहले देखा था लेड क्या होता है। लिफ्ट वो होता है उसकी जो उसको जो उठा दिया जाता है, मतलब आपका जितना हम ग्राउंड सरफेस से नीचे की तरफ जा रहे हैं जितना उसको ऊपर उठा दिया गया है वो आपका क्या होता है, लिफ्ट, राइट। तो यहां पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो है सी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, बताइए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए कौन सा आंसर आप लोग मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38,
क्वेश्चन नंबर 38, द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द अर्थवर्क इज नॉट मेजर्ड सेपरेटली। यहां पर आपको बोला गया है कि अर्थवर्क के लिए कौन सा आइटम सेपरेटली मेजर नहीं किया जाता है। इन तीनों में से आपको बताना है, सेटिंग आउट ऑफ वर्क, साइट क्लियरेंस, डेड मैन, ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। इन सारे ही वर्क को सेपरेटली मेजर नहीं किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है निधि ने दे दिया है, आलोक कुमार ने भी दे दिया है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फॉर 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टरिंग 1:6 ऑन 100 square meter न्यू ब्रिक वर्क, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज। आपको यहाँ पर रेशियो दे दिया है सीमेंट और सैंड का, और आपसे पूछा गया है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। आपको थिकनेस भी दे रखी है, आपको एरिया भी दे रखा है, राइट। तो बताइए इसके लिए क्या आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए क्या आंसर आना चाहिए। देखिए आपको पता है वन किसका होता है, वन पार्ट होता है सीमेंट का, और सिक्स पार्ट जो होता है ये होता है आपका किसका, सैंड का, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, सीमेंट की बात करें तो हमें सीमेंट की क्वांटिटी बतानी है, सीमेंट की क्वांटिटी हमें बतानी है। सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए आपका रेशियो कितना है, 1 डिवाइड बाय टोटल रेशियो कितना है, 1/7। वॉल्यूम कितना है आपके पास, 12 mm थिक है, मतलब कि 0.012 meter, राइट। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, 100 square meter आपको एरिया दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गया, वॉल्यूम। ये आपके पास कैसा वॉल्यूम आया, ये आपके पास एग्जैक्ट वॉल्यूम आया। आपको पता है मोटर की आवश्यकता हमें ज्यादा होती है, क्योंकि मोटर आपका कुछ क्या होता है, वेस्ट भी होता है जब हम मोटरिंग करते हैं, राइट। तो कितना हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, इनटू 1.3, 30% हम उसको एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। ये कैसा वॉल्यूम आया, ये आया वेट वॉल्यूम, हमें क्या चाहिए, ड्राई वॉल्यूम। तो मल्टीप्लाई किस फैक्टर से करेंगे, 1.25 से, राइट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.278 m³ निकल के आएगा। ऐसा कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए सभी का क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर डी आंसर आ रहा है, निधि कह रही है बी आंसर आ रहा है, बी नहीं आएगा, आंसर आएगा डी। एक बार चेक कर लीजिए वापस से, मैंने जो बताया है उससे आपका आंसर डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0.278 वैल्यू निकल के आएगी। निधि एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी। बाकी लोगों को भी वीडियो सिर्फ देखना ही नहीं है, कमेंट भी करना है, आंसर्स भी बताने हैं, ताकि पता चलना चाहिए कि कितने आंसर आप लोग सही कर रहे हैं, कितने आंसर आपके गलत आ रहे हैं, राइट। चलिए निधि कमेंट कीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगेन आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग का ही है। यहां पर आपसे ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली अकाउंट्स फॉर। आप लोगों को पता है कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन फिक्स रखी जाती है, कितनी रखी जाती है, 8% ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, राइट। 40 का चिंटू कुमार ने भी आंसर दिया है सी, आलोक कुमार ने भी आंसर दिया है सी, बहुत बढ़िया। चलिए इस तरह से ही आंसर देते रहिए, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 8% होता है इलेक्ट्रिफिकेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 अगेन आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कैलकुलेट द ईयर परचेज, ईयर परचेज की वैल्यू आपको यहां पर बतानी है।
तो आप लोगों को पता है ईयर परचेज क्या होता है, ईयर परचेज का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1/I+S, राइट। एस क्या है यहां पे, सिंकिंग फंड फैक्टर, सिंकिंग फंड फैक्टर, राइट। आपको यहां पर यूजफुल लाइफ दे रखी है 30 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% पर एनएम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड इज 3%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिंकिंग फंड दे रखा है, ना कि आपको सिंकिंग फंड फैक्टर दे रखा है। तो आपको जो रेट गिवन है यहां से आपको सिंकिंग फंड फैक्टर निकालना पड़ेगा। एस इज इक्वल टू 1/IS^(n-1), एस इज इक्वल टू 1/IS^(n-1), ये IS है, राइट, IS है ये, IS/1/IS^(n-1), यहां से आपको सिंकिंग फंड फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। IS की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी, 3%, मतलब की 0.03, राइट, 1/0.03^30-1, राइट। यहां से आपको सिंकिंग फंड फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, उस सिंकिंग फंड फैक्टर की वैल्यू को आपको यहां पे पुट करना है, ठीक है। यहां पे पुट करेंगे, आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी, 5%, मतलब 0.05। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार चेक कर लीजिए क्या ऑप्शन नंबर बी आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट से चेक करके बताइए। इस सिंकिंग फंड फैक्टर की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, बताइए सिंकिंग फंड फैक्टर की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। ऑनलाइन काफी सारे लोग हैं, रिप्लाई बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। जो इस सिंकिंग फंड फैक्टर की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.021, और 0.021 को आप यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा इयर्स परचेज का। तो जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा वो ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे शुरू हो गया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल का। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान एल, कैंटिलीवर बीम बना देते हैं जिसकी लेंथ क्या है एल, सब्जेक्टेड टू अ मोमेंट पी एट इट्स फ्री एंड, यहां पर मोमेंट लग रहा है पी फ्री एंड पर, द बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस एट द सपोर्ट विल बी, देखिए फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट क्या लग रहा है पी, क्या कोई और फोर्स लग रहा है यहाँ पे, कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, ना कोई और लोडिंग लग रही है, तो इसके लिए जो बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा, रावल राम कह रहे हैं विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे सिंकिंग फंड का, देखिए विदाउट कैलकुलेटर में आपको हो सकता है क्वेश्चन के अंदर 1.03^30 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन हो, राइट, 1.03^30 की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे कोई और लोडिंग नहीं लग रही है, इसलिए जो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पी ही यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी बेंडिंग मोमेंट की एट द फिक्स एंड, राइट, क्योंकि कोई और लोडिंग यहाँ पर नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख करके, डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर आपको बोला गया है इन अ स्फेरिकल डोम द हुप स्ट्रेसेस ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड एट द क्राउन इज, तो यहां पर जिसके लिए करेक्ट ऑप्शन है वो है टेंसाइल एवरीवेयर, क्योंकि जो आपकी डोम टाइप की स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप की होती है, इसके अंदर जो हुप स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं वो आपके टेंसाइल नेचर के जनरेट होते हैं, और जो मेरिडोनल स्ट्रेसेस होते हैं ये आपके कंप्रेसिव नेचर के जनरेट होते हैं, राइट। तो यहां पर जिसके लिए करेक्ट ऑप्शन है
ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर इज नियरली 1.25 लेंगे तो 0.215 आ रहा है। देखिए 0.215 तब आ रहा होगा जब आपने मोटर की वैल्यू को एक्स्ट्रा नहीं लिया होगा। आप लोगों को पता है जब भी हम मोटरिंग करते हैं तो मोटर की वैल्यू को भी एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, क्योंकि मोटर लगाने के बाद मोटर गिर भी जाता है नीचे, इसलिए उस वेस्टेज को भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी हम उसका आंसर मार्क कर सकते हैं। राइट, मोटर की जो वेस्टेज है उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हुए चलेंगे, क्योंकि मोटर लगाने में मोटर गिरता भी है जमीन पर। राइट, तो उसकी वेस्टेज को भी आपको इंक्लूड करना होगा यहाँ पर। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 43 के लिए वो है बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 का एडवांस में ही काफी लोगों ने आंसर बता दिया है। द लोड एट विच द कॉलम जस्ट बकल इज नोन एज, जिस लोड पर कॉलम बकल हो जाता है उस लोड को बकलिंग लोड भी बोलते हैं, क्रिटिकल लोड भी बोलते हैं, क्रिपलिंग लोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, एनी वन ऑफ दीज। ठीक है, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे 44 के लिए वो आएगा डी, ए नहीं आएगा, डी आएगा, क्योंकि उसको तीनों ही बोला जा सकता है, बकलिंग लोड भी, क्रिपलिंग लोड भी और क्रिटिकल लोड भी। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। आइडेंटिफाई द एरोनिमस स्टेटमेंट फॉर द माइल स्टील, मतलब कि एरोनिमस का मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट आपको यहां पर बताना है। राइट, फॉर द माइल स्टील हैज टू यील्ड पॉइंट्स, सभी को पता है यहाँ पे माइल स्टील के पास दो यील्ड पॉइंट होते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड पॉइंट। इज अ डक्टाइल मटीरियल, ऑब्वियसली माइल स्टील कैसा मटीरियल है, डक्टाइल मटीरियल है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या है, सही है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हैज स्मॉल परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन एट फेलियर, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि डक्टाइल नेचर है तो स्मॉल इलोंगेशन नहीं होगा बल्कि ज्यादा इलोंगेशन होगा। राइट, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गई, गलत हो गई। शोज स्ट्रेन हार्डनिंग, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इसकी क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। राइट, सी ऑप्शन यहाँ पर इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। चिंटू कुमार ने आंसर दिया है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए बताइए, अ बार एल मीटर लॉन्ग एंड हैविंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड डब्ल्यू, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार इज गिवन बाय। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, डिटेल के अंदर पढ़ा होगा कि स्ट्रेन एनर्जी क्या निकल के आती है, स्ट्रेन एनर्जी एक्सेली आपका लोडेड है तो स्ट्रेन एनर्जी जो निकल के आती है, तो यहां पर जो स्ट्रेन एनर्जी निकल के आएगी, सिंपल क्वेश्चन है, कितनी निकल के आएगी, बी डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन टू ए। एक्सेली मेंबर के अंदर स्ट्रेन एनर्जी जो होती है W square L upon 2AE। 46 का आंसर दे रहे हैं B, बिल्कुल सही है। यदि आपसे पूछा जाए बेंडिंग के कारण जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको क्या बोलेंगे अपन, M square L upon 2AE। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, सिंपल है क्वेश्चन। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आप लोग क्या आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर दे रहे हैं बी। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के लिए क्या बी आंसर सही है। देखिए
आपसे कैंटिलीवर बीम गिवन है और आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट द फिक्स एंड, राइट, वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट द फिक्स एंड, ठीक है, ये आपका फिक्स एंड है, यहां पर आपको वैल्यू ऑफ शियर फोर्स पूछा गया है। तो शियर फोर्स आप लोगों को पता है क्या होता है, इधर लेफ्ट और राइट जो भी एलजेब्रिक सम होगा फोर्सेस का, वो आपका क्या होगा, शियर फोर्स की वैल्यू देगा। तो यहां पर देखिए आप 25 कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट, और क्या है 30 किलो न्यूटन मीटर लग रहा है, कितनी मीटर के ऊपर, 1.5 के ऊपर, तो 30 × 1.5 कैलकुलेट कर लीजिए, 15 × 3 = 45, 25 + 45 कितना निकल के आएगा, 70। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 47 का वो हो गया बी। आशीष गुप्ता पूछ रहे हैं मैम कैंटिलीवर बीम की फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन फॉर पॉइंट लोड, बिल्कुल डिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर शियर फोर्स पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है, यदि ये एल है पॉइंट लोड लग रहा है तो पी एल क्यूब अपॉन 3EI होता है डिफ्लेक्शन, और थीटा होता है पी एल स्क्वायर अपॉन 2EI, राइट। चलिए आशीष गुप्ता आपका कमेंट पढ़ लिया, आपको आंसर भी मिल गया होगा, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 का क्या आंसर आना चाहिए, द मटेरियल विच ऑबेज हुक्स लॉ इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा नॉट एट इट्स इलास्टिक लिमिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सिग्मा नॉट आपके पास स्ट्रेस है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो आपसे कुछ वैल्यूज पूछी गई हैं, तो बताइए रोशनी ये क्लास नहीं है, ये 52 वीक हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका टेस्ट पेपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, टेस्ट हुआ था कल संडे को 20 फेब को, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, तो जो स्ट्रेस की वैल्यू है कितनी है, सिग्मा नॉट, तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रेन कितना रहने वाला है, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस बाय ई, यही होता है, क्योंकि आपको पता है क्या हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्ट्रेन, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू ई, तो स्ट्रेन निकालना है तो ई बाय कैपिटल ई, तो सिग्मा नॉट बाय ई, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी क्या हो गई, सही हो गई। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, क्योंकि एक ही टाइप की लोडिंग है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2, सिर्फ सिग्मा 2 तो क्या है, 0 है, तो आपके पास स्ट्रेस कितनी आ गई, सिग्मा नॉट बाय 2, शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू। थर्ड है स्ट्रेन एनर्जी, तो आप लोगों को पता है स्ट्रेन एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा नॉट स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम, मतलब कि हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यहीं से हम कैलकुलेट करते हैं क्या आपकी स्ट्रेन एनर्जी। तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। क्लास के बारे में समझ में नहीं आया, रोशनी राजपूत जो ये पेपर हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 52 वीक की, राइट, तो उसके अंदर हमारा कल टेस्ट हुआ था टेस्ट नंबर 8 फुल लेंथ का, उसको हम यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 अगेन आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर आपसे बोला गया है द जनरल एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम ऑफ लेंथ एल इज एम डब्ल्यू एल बाय 2 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 द बीम कैरीज, कि हमको क्या बताना है कि कौन सी बीम को हम कैलकुलेट करें तो जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन निकल के आए वो ये निकल के आए, तो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है आपका, राइट, पर यूनिट लेंथ,
ये आपको यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो मान लीजिए एल है, और इसके पास जो वैल्यू है वो है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर की। तो यहाँ पर रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एल बाय टू, डब्ल्यू एल बाय टू, राइट। तो आप यदि यहाँ पे मूवमेंट की इक्वेशन लिखना चाहें एम एक्स किसी एक्स सेक्शन पर, तो क्या वैल्यू आएगी, डब्ल्यू एल बाय टू इंटू एक्स माइनस किसके कारण आएगा, यूडीएल के कारण, क्या वैल्यू आएगी, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। तो जो पहला ऑप्शन है वही आपका क्या है, सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 49 के लिए वो क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर आपसे बोला गया था व्हाट इज द स्लोप एट द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास, आपसे क्या पूछा गया है, स्लोप की वैल्यू पूछी गई है। 2 मीटर की स्पान है इसकी और 5 केजी पर यूनिट लेंथ पर यहां पर यूडीएल लगा हुआ है। 5 केजी पर यूनिट लेंथ पर आपका यूडीएल यहां पर लगा हुआ है। तो आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। तो इस केस के अंदर थीटा की वैल्यू जो निकल के आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 EI, राइट। ये वैल्यू यहां पर निकल के आती है थीटा की, ठीक है। तो यहां पर आपको W की वैल्यू गिवन है कितनी, 5, L की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 का क्यूब डिवाइड बाय 24 EI। कैलकुलेट कर लीजिए, इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 5/3 EI, राइट। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, सी करेक्ट नहीं है, बी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं, सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर आपसे बोला गया है द कंप्रेशन ऑफ सॉइल बाय मैकेनिकल मींस इज कॉल्ड एज। यदि हम सॉइल का कंप्रेशन कर रहे हैं बाय द एप्लीकेशंस ऑफ मशीन्स, तो उसे क्या बोला जाता है, ये यहां पर आपसे पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 51 क्या आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 51 का। काफी लोगों ने यहां पर आंसर दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में मैकेनिकल एक्शन के द्वारा हम कॉम्पैक्शन करते हैं, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, राइट। इसके अंदर क्या होता है, एक्सपेल्शन ऑफ एयर वॉइड्स, ठीक है, एक्सपेल्शन ऑफ एयर वॉइड्स, राइट। और जो आपका कंसोलिडेशन है ये आपका क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, राइट, नेचुरल प्रोसेस है ये, और टाइम टेकिंग प्रोसेस है और स्टडी एंड स्टैटिक लोड के कारण ग्रेजुअली ही जो आपका कंप्रेशन होता है उसको बोला जाता है कंसोलिडेशन। इसके अंदर क्या होता है, एक्सपेल्शन ऑफ वाटर होता है, ये आप लोग डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अपनी क्लासेस के अंदर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 सॉइल के क्वेश्चंस हैं हमारे यहाँ पर लास्ट, बाकी के अदर फैकल्टी मेंबर डील करेंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स। चलिए बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्लेज नॉर्मली, कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्लेज नॉर्मली। तो यहां पर आपको पता है के क्या होता है, एम वी सी वी गामा डब्ल्यू। सीवी क्या है यहाँ पे, कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन, तो सीवी के वैल्यू क्या निकल के आ गई, के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्ल्यू। एम वी आप लोगों को पता है, एम वी क्या होता है, एम वी जो आपका होता है वो होता है ए वी अपॉन 1+E0, राइट। तो सीवी क्या निकल के आया फाइनली, के अपॉन ए वी 1+E0 इंटू गामा डब्ल्यू।
यहां पर आपको देखने पे पता चल रहा होगा कि जो सीवी है वो डिपेंड कर रहा है, वो एक कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है ई नॉट पर भी, वो डिपेंड कर रहा है आपका किस पर, एबी पर भी। तो आपसे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट। तो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो लिक्विड लिमिट से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है लिक्विड लिमिट के कारण क्या होता है। यदि आप लिक्विड लिमिट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होगी, कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपके पास क्या होगा, एवी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, एवी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, सीवी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज विद इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट, राइट। सोमराज मीना कह रहे हैं समझ में नहीं आया वापस बताओ। देखिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इस फॉर्मूले से हमने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया जो भी आपके पास टर्म्स होती हैं उनको हमने पुट करके, राइट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो सीवी है मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो सिर्फ एक कांस्टेंट नहीं है, वो आपका ई नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है मतलब स्ट्रेस पर भी डिपेंड कर रहा है, और आपका एवी जो फैक्टर है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। और आपको पता है कि जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होगी, लिक्विड लिमिट पर डिपेंड करेगी, लिक्विड लिमिट को आप बढ़ाओगे इससे क्या होगा, एवी आपका बढ़ेगा, एवी बढ़ेगा तो एवी और सीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सीवी क्या होगा यहाँ पर कम होगा। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा सोमराज मीना जी। चलिए आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल यही फॉर्मूला है, यहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए यहां से आपको कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन के बारे में पता चलेगा, सीसी देता है ये वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन को आपको रिलेट करना है वापस से किससे, सीवी से, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, राइट। चलिए देखिए इलेक्ट्रिकल के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, आप हेल्पलाइन नंबर पर जाके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, अ लूज यूनिफॉर्म सैंड विथ राउंडेड ग्रेन्स हैविंग इफेक्टिव साइज ग्रेन ऑफ 0.05 सेंटीमीटर कोफिशिएंट ऑफ परमियबिलिटी ऑफ द सैंड इज, यहां पर आपसे कोफिशिएंट ऑफ परमियबिलिटी पूछा गया है और आपको सिर्फ ग्रेन साइज गिवन है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दिमाग में लाना है कि कौन सी इक्वेशन सिर्फ ग्रेन साइज पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो एलन हैजन इक्वेशन जो होती है आपके पास वो सिर्फ आपको ग्रेन साइज से रिलेट करती है। 100 d10 स्क्वायर आपके पास यहां पर है, 100 × d10 के वैल्यू आपको कितने गिवन है, 0.05, क्योंकि आपसे सेंटीमीटर में ही आपको आंसर निकाल के देना है। तो 100 × 0.05 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 53 का, जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज अ यूनिफॉर्म कोफिशिएंट, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मोर देन 100। तो आप लोगों को पता है Cu इज ग्रेटर देन 4 एंड Cu इज ग्रेटर देन 6। Cu इज ग्रेटर देन 4 किसके लिए होता है, Cu की वैल्यू 4 से ज्यादा किसके लिए होती है, बताइए फटाफट से, Cu की वैल्यू 4 से ज्यादा ग्रेवल्स के लिए होती है और सैंड के लिए होती है 6 से ज्यादा, फॉर दी वेल ग्रेडेड सॉइल्स, फॉर दी वेल ग्रेडेड सॉइल्स, राइट। फॉर दी वेल ग्रेडेड सॉइल्स Cu की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होती है ग्रेवल्स के लिए और सैंड के लिए होती है ग्रेटर देन 6, राइट। तो यहां पर आपसे यही पूछा गया है कि Cu की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो किस टाइप की सॉइल है, वो वेल ग्रेडेड सॉइल, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, क्वेश्चन नंबर 55,
क्वेश्चन नंबर 55 भी आपके नोट्स में पढ़ाई जाती है चीज, राइज ऑफ वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस कॉजेज। देखिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, आपसे क्या बोला गया है कि जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल को हम दूसरे कलर से बना देते हैं ताकि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आए। ये आपका वाटर टेबल लेवल, ठीक है, वाटर टेबल लेवल आपसे क्या बोला गया है, राइज ऑफ वाटर टेबल लेवल अबव द ग्राउंड सरफेस। यहां पर कोई आपको मान लीजिए ये सेक्शन है जहां से आपको कंसीडर करना है, तो आप लोग देखिए यदि आप यहां पर टोटल स्ट्रेस की वैल्यू लिखेंगे, मान लीजिए ये वैल्यू H है और ये वैल्यू क्या है यहाँ पर Z है, ठीक है, और यहाँ पर आप यदि H की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या आएगी, H गामा W प्लस Z गामा सैचुरेटेड, और U की वैल्यू क्या निकल के आएगी, H प्लस Z गामा W। तो दोनों के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि जो H गामा W वाला फैक्टर है, यदि आप इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो यहाँ पर H गामा W वाला फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन है और इक्वली इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एज वेल एज इन टोटल स्ट्रेस, राइट। तो 54 का बिल्कुल 100% जो करेक्ट ऑप्शन, 55 का जो 100% करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बिल्कुल सही। चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर आपसे बोला गया है कि आपको बताना है डेंसिटी इंडेक्स फॉर अ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। डेंसिटी इंडेक्स के बारे में आपको बताना है नेचुरल सॉइल डिपॉजिट के अंदर किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए उसको काम में लिया जाता है। तो आपको पता है डेंसिटी इंडेक्स के कई सारे नाम होते हैं, डेंसिटी इंडेक्स को रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है, तो यही आपको ऑप्शन के अंदर दिया गया है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस फाइंड आउट करने के काम में आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिव डेंसिटी का ही दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स, और इसको रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस फाइंड आउट करने के काम में लिया जाता है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे इसका डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, 56 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चंस और आपके यहाँ पर रहते हैं सॉइल मैकेनिक्स के, उसके बाद आपको नरेंद्र सर डील करेंगे विद द अदर सब्जेक्ट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर आपको बोला गया है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज अ फंक्शन ऑफ, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किसका फंक्शन होता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डिपेंड करता है किस पे, टाइम फैक्टर पर, राइट, क्योंकि टी यदि जीरो है तो आपका कंसोलिडेशन का कितना परसेंट हुआ, 0%, और यदि टी की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, तो आपका कंसोलिडेशन कितना हो चुका, 100%, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्या, 57 का बी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द माय साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल इज ड्रिवन एट एन इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन पर कौन से पाइल को ड्रिवन किया जाता है, इंक्लिनेशन पर बता दीजिए फटाफट से कौन से पाइल को ड्रिवन किया जाता है, एट एन इंक्लिनेशन बेटर पाइल को डिपेंड ड्रिवन किया जाता है, क्योंकि जो बेटर पाइल होती है ये आपके इंक्लाइंड लोड को भी बियर कर सकती होती है, इसलिए एट एन इंक्लिनेशन बेटर पाइल को यहाँ पर ड्रिवन किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर सभी लोगों ने आंसर दिया है करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, नरेंद्र सर आपको डील करेंगे, यहाँ पर मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, गुड नाइट एवरीवन।
आप सही है। राहुल शर्मा गुड इवनिंग, कमेंट करके बताइए आवाज आ रही है क्या। अभिलेश धौलपुर बिल्कुल नमस्कार। चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट अपना जो है, आवाज का कमेंट कर दीजिएगा एक बारी। क्वेश्चन नंबर 60 अपने पास है, देखिए क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ रेडियस एंड अपेक्स डिस्टेंस ऑफ ए कर्व डिफ्लेक्टिंग थ्रू डेल्टा डिग्री, मतलब अपने कर्व का जो है ठीक है, तो अपने को क्या बोला गया है, अपने को रेशियो निकलवा रहे हैं किसका, रेडियस का, और साथ ही साथ किसका निकलवा रहे हैं, अपेक्स डिस्टेंस का रेशियो निकलवा रहे हैं। जो कमेंट कर रहे हैं उन्होंने अपेक्स डिस्टेंस लिखा है ठीक है ना, तो इसका रेशियो भी अपने को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे एरर हो सकता है अपने से। तो अभी देखिए अपने पास जैसे अपन इसको कैलकुलेट करें अगर, तो देखिए कि अपने पास जैसे अपन कहा कि ये अपना कर्व है और यहाँ से अपना जो है बैक टेंजेंट है ए टी वन ले लीजिए, और ये टेंजेंट हो गया अपने पास, ये हो गया अपना पास फॉरवर्ड टेंजेंट टी टू बी जो है फॉरवर्ड टेंजेंट हो गया, और इस कर्व की जो रेडियस है वो अपन क्या मार्क कर रहे हैं, आर मार्क कर रहे हैं। तो अपने पास अपेक्स डिस्टेंस होता क्या है कि अपने पास ये जो कर्व का जो हाईएस्ट पॉइंट है और ये जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है पीआई, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ये अपने पास क्या होता है, अपेक्स डिस्टेंस होता है। तो इसको अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर अपन ये कंप्लीट डिस्टेंस निकाल लें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ओरिजिन पॉइंट तक का ठीक है, जहां से अपन ने रेडियस काउंट किया वहां तक का, अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस अगर अपन कैलकुलेट कर लें और उसमें से अगर ये रेडियस है कर्व का ये जो है ये रेडियस जो है उसको अगर अपन घटा दें तो अपने पास ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा जो कि अपने पास क्या होगा, अपेक्स डिस्टेंस होगा। और अगर अपने को अपेक्स डिस्टेंस आ गया तो उसके साथ अपन किसका रेशियो निकालेंगे, रेडियस का, तो अपने पास एक आंसर मिल जाएगा। अपने पास कैसे निकालेंगे इसको, तो अपने पास पता है कि ये एंगल कितना 90 डिग्री का है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल अपने को दे दिया है कितना डेल्टा का, तो ये एंगल भी कितना बनता है डेल्टा, तो ये हाफ हो गया तो डेल्टा बाई टू, ये वाला भी डेल्टा बाई टू। अपने को ये कंप्लीट डायमेंशन रिक्वायर्ड है यहाँ से यहाँ ठीक है, तो इसको अपन एक्स नाम दे देते हैं, एक्स अपॉन ये रेडियस जो है अपने पास अवेलेबल है आर इज इक्वल टू, अपन क्या लिख सकते हैं ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा बेस वाला, तो ये क्या हो सकता है सेक की टर्म में चला जाएगा और एंगल कितना हो जाएगा डेल्टा बाई टू हो जाएगा। अपने को ये कंप्लीट एक्स रिक्वायर्ड है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आर सेक डेल्टा बाई टू। अपने को तो ये वाला अपेक्स चाहिए तो यहाँ से ये जो रेडियस जो है इसको अपन इसमें से कंप्लीट वैल्यू में से जो है डिडक्ट कर दें तो अपने को अपेक्स डिस्टेंस मिल जाएगा। देखिए कितना आता है आर सेक डेल्टा बाई टू माइनस आर, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आर सेक डेल्टा बाई टू माइनस वन लिख देंगे, और अपने से रेशियो निकलवाया किसके साथ, रेडियस के साथ, तो आर से आर कैंसिल आउट, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा अपने को सेक डेल्टा बाई टू माइनस वन ठीक है। तो ऑप्शन ए जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं ठीक है, 61A। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी जो है बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा गया है एसएससी या अलग अलग जो भी एग्जाम है स्टेट एजेई में ठीक है। पूछ रहे हैं कि ए लाइन ट्रू लेंथ इज 500 मीटर व्हेन मेजर्ड बाय ए 20 मीटर टेप is reported to be 500 2 meter long, the correct length of the tape is what, ठीक है इस बारी अपने से टेप का correct length पूछ रहे हैं। केस क्या दिया है कि अपने को कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना था जो एक्चुअल में 500 मीटर का था, लेकिन अपन जो चेन लेके गए उसको अपन मान के गए कि ये 20 मीटर का है, लेकिन अपन ने उस 20 मीटर वाली टेप के साथ जब अपन ने मेजर किया तो अपने पास वैल्यू आ गया 502 मीटर का। तो अब अपने से ये पूछ रहे हैं कि क्या वो चेन जो आप 20 मीटर का लेके गए थे क्या वो करेक्ट है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कितना वैल्यू होगा वो अपने को बताना है। तो अपने पास एक सिंपल रिलेशन होता था कि अपन क्या कहते थे कि जो भी डिफॉल्टेड अपने पास चेन होता था उसके साथ जो भी अपन ने मेजरमेंट किया उसको कैसे करेक्ट करते थे कि अपन लिखते थे ट्रू लेंथ विल इक्वल टू वॉट कि जो रॉन्ग लेंथ है किसका चेन का अपॉन स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन लिख देते थे, चेन लिखते थे इंटू मेजर्ड लेंथ कर देते थे। अब देखिए अपने को ट्रू लेंथ दे दिया 500 का,
ये अपने से रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन निकलवा रहे हैं कि इसमें अगर कोई एरर है तो वो बता दो। स्टैंडर्ड 20 दिया है और मेजर डिस्टेंस अपने को 502 दिया है, बता दो एक्स का वैल्यू कितना आता है। ठीक है बताइए भाई, आंसर करिए। सौरभ और अलोक, चलिए कितना आंसर आता है बताइए जरा, कितना आंसर आ रहा है, कैसे कैलकुलेट किया अपन ने देख लिया। तो इसका आंसर कितना आएगा अपने 19.92 मीटर का आएगा, मतलब जो चेन अपन 20 मीटर का फील्ड में लेके गए थे वो एक्चुअल में 19.92 मीटर का है। ठीक है, इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या? आप जो है इसको टेस्ट को ज्वाइन करिए, पीडीएफ से क्या करेंगे आप, है ना, ये जो टेस्ट हो रहे हैं अपने सेंटर्स पे उन पे आप पर्टिकुलरली जाइए, वहां पे जो है इसको ज्वाइन करिए, ये ऑनलाइन मोड में भी है। ठीक है, तो आप इनको करिए, ठीक है ना, वो एक जो स्ट्रेस होता है उसको ज्यादा फील करिए आप। ठीक है, और दूसरा ये सॉल्यूशन साथ में चल ही रहा है, यहाँ पे आप करते रहिए। ठीक है ना, तो आप अपने जो है हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिए एक बारी और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप पूछ लें। ठीक है, इसका टेस्ट दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा अपने पास। चलिए नेक्स्ट सर्वे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए 70 वाला देखिए क्वेश्चन, सर्वे से है अपने पास। पूछ रहे हैं कि सर्वेयर कंपास गिव्स क्वाड्रेंटल बियरिंग, होल सर्किल बियरिंग बोथ, और सर्वेयर कंपास इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग द बियरिंग। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन अपन पहले जो अपना टेस्ट सीरीज जो हो रखा है चल रहा है इसमें, इसमें अपन ने एक क्वेश्चन इसका पहले भी कर लिया था। क्या किया था अपन ने, कि अपन ने सर्वेयर कंपास के रिगार्डिंग ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि इसमें यहाँ पे अपने पास जो नीडल लगा है सर्वेयर कंपास में कुछ ऐसा, तो अपन ने कहा था कि ये जो है साउथ एंड है, ये नॉर्थ एंड है, यहाँ पे 0 डिग्री मार्क होगा, यहाँ पे भी 0 डिग्री मार्क होगा, और अपन ने कहा था कि ईस्ट और वेस्ट को आपस में अपन इंटरचेंज कर देंगे, और यहाँ पे भी 90 डिग्री मार्क होगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री मार्क होगा। ठीक है, तो ये अपन ने इसका एक क्वेश्चन अपन ने किया था कि अपन ने ये डायग्राम दिया था और पूछा था कि इसमें से देख के बताइए कौन सा जो है वो प्रिज्मेटिक कंपास है और कौन सा जो है वो सर्वेयर कंपास है। ठीक है, ऐसे अपन ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये वैसा ही कुछ अपने पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इसी में, नेक्स्ट लेवल जो पूछा जाता है सर्वेयर कंपास के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बियरिंग देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री से वेरिएट हो रहे हैं अपन कहाँ तक, 90 डिग्री तक। 90 डिग्री से ज्यादा जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे हैं। तो जब अपन ने डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग की बात की थी तब अपन ने एक तो कहा था होल सर्किल बियरिंग सिस्टम होता है अपने पास, पूर्णवर्त दिक्मान प्रणाली जिसको अपन ने कहा था हिंदी में। ठीक है, एक अपने पास रिड्यूस बियरिंग सिस्टम होता है, ठीक है, या क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें अपन ने कहा था कि WCB में अपन ने क्या कहा था कि अपने पास मान लीजिए ये ट्रू में जो है मेरिडियन है अपने पास, इस मेरिडियन के रिस्पेक्ट में अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से 360 के डिग्री के बीच में अपन बियरिंग मेजर करेंगे, किसमें, WCB मेथड में। और RB मेथड में अपन ने क्या कहा था कि जो नॉर्थ और साउथ जो भी है उसको रेफरेंस मानो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप डिपेंड करेगा लाइन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए इस लाइन का बियरिंग लेना है तो ये नॉर्थ से जो है पास में पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको क्लॉकवाइज अपन घूम गए, यहाँ से जो है एंटी क्लॉकवाइज भी घूम गए, तो इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा था, नॉर्थ और मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी अपन चाहे चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बियरिंग का वैल्यू कितना था अपने पास, 0 से 90 डिग्री के बीच वेरिएट कर रहा था। तो अपने से क्वेश्चन ये है कि सर्वेयर कंपास कौन सी रीडिंग देगा जब 0 से 90 डिग्री के बीच में अपन वैल्यूज रख रहे थे, वो वाला जो बियरिंग था अपने पास वो कैसा था, क्वाड्रेंटल बियरिंग था। ठीक है, अब अपने से ये अगर पूछा जाए इसको यहाँ पे चेंज कर दें, यहाँ पे लिख दें प्रिज्मेटिक कंपास, तो आंसर करिए एक बारी प्रिज्मेटिक कंपास में कौन सी बियरिंग मेजर किया जाएगा, कमेंट करके बताइए। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास के रिगार्डिंग कमेंट करिए। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इस सर्वेयर कंपास के लिए, रहेगा क्वाड्रेंटल बियरिंग। नेक्स्ट देखिए अगेन, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म स्क्वायर इज, बिल्कुल WCB बी फॉर प्रिज्मेटिक, बिल्कुल अभिलेश मीणा, सौरभ चौधरी और विवेक शर्मा। चलिए विवेक शर्मा ने इसका आंसर कर दिया, बिल्कुल विवेक शर्मा आप ये बताइए इसका जो है प्रिंसिपल क्या रहेगा, किस पे ये काम करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया अपने से, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म स्क्वायर इज,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री और 60 डिग्री का अपने पास दिया है, तो इसके पास अपने पास सही आंसर क्या होता है, इसमें कितने पे अरेंज होते हैं या कितने पे अरेंज होता है अपने पास, 45 डिग्री पे जो है अपने पास इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल डबल रिफ्लेक्शन पे काम करेगा मीना अभिलेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 देखिए क्या कह रहे हैं कि व्हेन ए मेजर्ड लेंथ is less than the actual length, the error is known as, क्या कह रहे हैं कि measured length जो है वो actual length या true length से क्या है, कम है। इस particular case में अपने से ये कह रहे हैं कि आप error बता दो कैसा होगा, positive की negative, तो error अपन क्या लिख सकते हैं, error is equal to क्या होता है अपने पास measured minus true value। अगर अपने से correction पूछा होता तो अपन क्या लिखते हैं, true minus measured। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए measured value true से कम है, तो यहाँ पे value आप अपन देख के बता सकते हैं कि कैसा आएगा, negative आएगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव एरर आएगा। अगर अपने को करेक्शन पूछा होता तो अपन कहते पॉजिटिव करेक्शन आएगा। ठीक है ना, करेक्शन बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा अभिलेश। ठीक है, तो एरर अपने पास कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। एरर निकालने का ये जो है बेसिक फॉर्मेट था अपने पास, लैंग्वेज में अपने को जो है टास्क दिया था उसके अकॉर्डिंग अपन ने आंसर कर दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। पोलर एक्सिस ऑफ द अर्थ इज अबाउट, अपने से पूछ रहे हैं कि द पोलर एक्सिस ऑफ द अर्थ इज अबाउट, ध्रुवीय अक्ष जो है उसकी लेंथ पूछ रहे हैं कि कितना, लगभग कितना वैल्यू होता है। तो अपन ने इंट्रोडक्शन में देखा है कि अगर अर्थ की जो सरफेस जो है, अर्थ की जो शेप जो है वो कैसी है अपने पास, ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप में है, या अपन इसको जियोइड शेप भी कह सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे कहा था कि अपने पास एक ये होता है पोलर एक्सिस और एक ये होता है इक्वेटोरियल एक्सिस। और अपन ने जब बात की थी तो अपन ने कहा था कि पोलर एक्सिस का एक लेंथ अपन ने स्पेसिफाई किया था, और अभी अपन से यही पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस। ठीक है, तो बताइए बिल्कुल। ठीक है, तो जो लोग आंसर कर रहे हैं 12713 के अप्रोक्स जो वैल्यू लिखा है इसने 168, देखिए यहाँ पे लिखा है अबाउट, लगभग के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, तो 12713 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है। इसके पॉइंट में आगे पीछे थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अपन बात करें इक्वेटोरियल एक्सिस की, तो ये कितनी थी अपने पास 12756.75 लिखते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना अपने पास 42.95 किलोमीटर का। दूसरा अपने पास एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इक्वेटोरियल एक्सिस, और साथ ही साथ अपने से ये पूछा जाता है कि ये जो पोलर एक्सिस है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अपने पास पोलर एक्सिस जो है ठीक है, तो पोलर एक्सिस में देखें अगर, तो अपने पास पोलर एक्सिस जो है वो स्मॉलर देन क्या है इक्वेटोरियल एक्सिस है, मतलब पोलर एक्सिस की लेंथ कम है। तो अपने से ये भी पूछा जाता है कि इसका जो है कितने परसेंट से ये शॉर्ट है। तो अपने पास बताइए कितने परसेंट से है, 0.34% से ये क्या है शॉर्ट है। ठीक है, कौन है शॉर्ट, ये जो पोलर एक्सिस है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इफ द whole circle bearing of line is 280 degree 30 minute, the quadrantal bearing is what? ठीक है, अपने को WCB का value दे दिया, convert करवा रहे हैं किसमें, RB में। ठीक है, एक task ये भी हो सकता था कि अपने को RB में देकर के इसमें जो है value निकलवाए होते, किसमें WCB में निकलवाए होते। तो इसका basic अगर formula से जाओ तो ज्यादा जो है lengthy हो जाएगा, अगर इसको अपन plot करके करें तो ज्यादा आसान रहेगा अपने पास। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक लाइन जिसका बियरिंग बोल रहे हैं 280 डिग्री 30 मिनट, तो अपन यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा। यहाँ देखिए ये यहाँ तक 90, 180 और 270 और लाइन यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और अपन क्वाड्रेंटल बियरिंग में अपन क्या कहते थे कि अपन नॉर्थ या साउथ को रेफरेंस मान के क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज देखना है कि लाइन किसके पास में है, किस पोल के पास में है। तो यहाँ से नॉर्थ पोल के पास में है, एंटी क्लॉक वाइज चल लेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज कैसा भी चलिए, नॉर्थ से चले हैं तो नॉर्थ, यहाँ पे ये जो एंगल होगा थीटा वो अपन लिखेंगे, किस डायरेक्शन में चले, वेस्ट डायरेक्शन में चले, अपन ऐसा नोटेशन लिखते थे नॉर्थ थीटा वेस्ट। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन से हो जाएगा ये सॉल्व, आपको सॉल्व करने की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि बियरिंग अपने पास कैसा आएगा नॉर्थ वेस्ट की टर्म में आएगा, नॉर्थ थीटा वेस्ट की टर्म में आएगा, और यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही दे रखा है, दैट इज बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सर्वे का लास्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कैन बी क्लासिफाइड एज, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन,
चुंबकीय दिक्पात कैन बी क्लासिफाइड एज सेक्युलर वेरिएशन, जिसको अपन ने दीर्घकालीन जो है दिक्पात कहा था, ये हो गया ड्यूरिनल मतलब दैनिक लिखा था अपन ने, और ये एनुअल हो गया वार्षिक, ठीक है। तो अपने पास ये पूछ रहे हैं कि इसको किस कदर जो है क्लासिफाई किया जा सकता है, तो अपने पास ये चार टाइप के होते हैं, एक ये है सेकुलर एनुअल, और अपने पास एक और कौन सा रह गया, इरेगुलर, जो कि किसकी वजह से होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक जो है डिस्टर्बेंस की वजह से अपने पास इरेगुलर वेरिएशन भी अपने को देखने को मिलता है। सेकुलर वेरिएशन जो है इसका कोई स्पेसिफिक कॉज अपने को नहीं है, अपन क्या कहते हैं कि जो अपना मेरिडियन जो है अपने पास मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो कुछ पेंडुलम की तरह से मूवमेंट करता रहता है, तो अपने पास क्या रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो वो एक टाइम के लिए कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसा, फिर वापस जो है वो यहाँ आएगा, न्यूट्रल होगा, वापस उस मेन पोजिशन में आएगा, फिर इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है ऐसा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर, ऐसा ऐसा एक मूवमेंट रहेगा पेंडुलम जैसा, ठीक है। तो ये जो है दीर्घकालीन या सेकुलर वेरिएशन रहेगा, इसमें टाइम जो है वो बहुत काफी जो है कंसिडर किया जाएगा, 100 to 150 ईयर का, ठीक है। और दैनिक जो है अपने पास क्या हो सकता है कि जो पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है, अर्थ के घूमने की वजह से अपने पास ड्यूरिनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। एनुअल जो है वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी जो है क्या कर रही है, किसके अबाउट अराउंड घूम रही है, सूर्य के, है ना, सन के, तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे एनुअल वेरिएशन अपने को देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के इसका ऑप्शन डी जो है वो अपना क्या हो गया, सही हो गया, कि वेरिएशन अपने से पूछ रहे हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन 59 लेफ्ट है, चलिए देखते हैं। चलिए बताइए भाई, 3 point problem के regarding question है। देखिए, in a solution of that 3 point problem in a plane table surveying, the converging of error is attained through, ठीक है, Bessel's method, triangle of error, tracing paper method, और जो है अपने पास fourth answer अपने, चलिए बताइए। 59 सौरभ चौधरी सी, और चलिए बताइए भाई, देख के आराम से करिए, लास्ट क्वेश्चन सर्वे का, फिर नीरज सर कंटिन्यू करेंगे। सी आंसर काफी लोग जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, सी आंसर, ठीक है ना। तो चलिए अपने पास किस तरीके से करेंगे, ट्रायंगल ऑफ एरर, ठीक है, बनाएंगे अपन जैसे थ्री पॉइंट प्रॉब्लम में क्या कर रहे होते थे अपन, के तीन पॉइंट जैसे मान लीजिए अपने पास कुछ ऐसा है, यहाँ और यहाँ पे है, अपन ने प्लेन टेबल लेके गए, फील्ड में अपन ने वर्क किया, इनकी पोजिशन लोकेट कर ली, ठीक है, नेक्स्ट डे अपन फिर से फील्ड में गए, मान लीजिए कि जिस पॉइंट से अपन ने ऑब्जर्वेशन किए थे वही हट गया, इसको वापस से आइडेंटिफाई करना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे कि मान लीजिए कोई एक आए, अपन अपनी मर्जी से जो है एक पॉइंट मान लिया अपन ने, उस पॉइंट को देख करके अपन जो है यहाँ पे इस यहाँ वाले जो पॉइंट है इनको अलाइन करके अपन इसको ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे जो पॉइंट है इसको देखते हुए एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और इसको देखते हुए यहाँ करेंगे, तो अपने पास इनको जब पीछे बढ़ाएंगे तो एक एरर जो है एक ट्राइंगल जैसा शेप बनेगा, जिसको एंगल ऑफ एरर जो है ट्राइंगल नाम दिया था इसको, ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ऑफ एरर नाम दिया था इसको, अपने को फिर क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, जैसे अपने पास दो लाइन किसी एक पॉइंट पे अपने को मीट हो रही है, तो वहां लमसम अपन मान करके फिर इस टेबल को जो है कुछ इसी डायरेक्शन में घुमा करके इस लाइन को भी कुछ ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ये भी जो है यहीं से पास कर जाए, ठीक है ना, तो ये अपने पास आंसर हो गया है। चलिए ठीक है,
अब तो आ रहा होगा, नहीं आवाज कहीं नहीं गई, आप अच्छे से सुनिए, आपके पास आवाज आ जाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज आने लग जाएगा आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आपके पास आगे के पार्ट के सॉल्यूशन। तो आपके पास यहाँ कहाँ तक सर ने करवा दिया था, 76 तक, यहाँ से तो 76 हम ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पास 62 नंबर क्वेश्चन का, जो आपके पास आरसीसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए तो मिनिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट एज पर आईएस कोड इन इन बीम, तो आपको पता है कि जो आईएस कोड है आरसीसी का, जो रिलेट करता है, जो हमें रेनफोर्समेंट के बारे में बताता है, अपने पास कौन सा है, आईएस 456, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि अगर मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात करते हैं ना, तो अपने पास अगर मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात करते हैं अपने पास किसके लिए, अपना कंप्रेशन साइड के लिए, तो उसके लिए होता है नो क्राइटेरिया। क्या लिखा होता है, नो क्राइटेरिया, इसलिए इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, नॉट सजेस्टेड, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम बात करते ना इसके मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का, तो वह कितना होता है, 4% ऑफ द ग्रोस एरिया होता है। पर एक बात याद रखना, कंप्रेशन साइड में मिनिमम रेनफोर्समेंट सिंगल साइड रेनफोर्समेंट के लिए होता है, बट जब भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ना उसको पैक करने के लिए, जो हमारे पास स्टीरअप होते हैं ना उसको पैक करने के लिए, आपके पास दो बार तो मिनिमम लगाई जाती है, जो भी मिनिमम डाया की आपके पास हो सके, ओके। जबकि मिनिमम के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता वहां पर, नॉर्मली हम 0% मान के चलते हैं, और मैक्सिमम के लिए कितना होता है, 4%। तो आंसर इसका कितना होगा, 62 का डी आपके पास हो जाएगा, ओके। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन साइड फेस रेनफोर्समेंट वह कितना होता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो साइड फेस रेनफोर्समेंट है ये कौन सी होती है। देखिए अपने पास कोई बीम है, बीम के अंदर ये अपने पास न्यूट्रल एक्सिस होती है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो बार लगाई जाती है ना इन्हें बोलते हैं टेंसाइल रेनफोर्समेंट, और जो ऊपर वाली बार लगती है ना इन्हें बोलते हैं कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट, और जो आपके पास साइड में बार लगती है ना इन साइड वाली रेनफोर्समेंट को बोलते हैं हम साइड फेस रेनफोर्समेंट। अब ये साइड फेस रेनफोर्समेंट का मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी श्रिंकेज आते हैं ना लॉन्गिट्यूडनली उनको रोकने के लिए साइड में रेनफोर्समेंट लगाया जाता है, जो कि मिनिमम 0.1% ऑफ ग्रोस एरिया होता है, और जिसके स्पेसिंग की अगर हम बात करें जो कि कितना होता है मैक्सिमम 300 अपने पास होता है, कितना होता है 300 अपने पास होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 63 का क्या जाएगा, सी। हाँ अरे 63 का अपने पास, हाँ जनरली 750 रहता है वो, तो मैक्सिमम अपने पास आ जाएगा, ठीक है। कौन सा जाएगा, मैक्सिमम अपने पास आ जाएगा, पर जनरली हम 300 इस्तेमाल करके चलते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट आते हैं जिसमें मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। जब हम पढ़ते हैं आपके पास क्या बीम पढ़ते हैं, तो वहां पढ़ते हैं वन वे शियर, और वन वे शियर हम अपने पास किसमें भी पढ़ते हैं, स्लैब में भी पढ़ते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये हमें मैक्सिमम डिस्टेंस देगा सपोर्ट से डी डिस्टेंस पर, जो कि डी यहां पर क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है। क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है। तो मतलब जो वन वे शियर है वो कहां से मिलेगा, सपोर्ट से डी डिस्टेंस से मिलेगा, तो बी का टू। तो बी के दो के दो ऑप्शन आ रहे हैं, ए और अपने पास बी आ रहा है, ए और बी आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं तो टू फेस शियर क्या होता है, ये हम स्लैब में पढ़ते हैं, टू वे स्लैब के अंदर, जहां पे हम ये पढ़ते हैं कि जो अपने पास टू वे शियर है वह अपने पास कहां पे आता है, वह सपोर्ट से डी बाय टू डिस्टेंस पर आता है, जिसे हम पंचिंग शियर भी बोलते हैं। तो अपने पास सी का क्या मिलेगा, वन, तो सी का वन, तो ऑप्शन क्या हो गया अपने पास, बी ऑप्शन हो गया। हाँ इसका आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाके लॉग इन करना पड़ेगा इस टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। 52 वीक सीरीज का, उसके अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद वहां से अपना ये ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक है, संडे को। फिर बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन की,
क्वेश्चन नंबर 65. In one way shear is designed as considering as a singly reinforcement beam of width. जब हम singly one way slab की बात करते हैं तो हम one way slab को जब भी design करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि हम इसको unit width, जो हम slab को design करते हैं वो unit width के according design करते हैं. मतलब होता क्या है कि ये हमारे पास अपने पास क्या है slab, और जब हम slab को design करते हैं ना तो हम मान के चलते हैं कि इसका एक मीटर के लिए डिजाइन करेंगे, जितना भी एक मीटर में रेनफोर्समेंट लगेगा उतना ही बाकी मीटर के अंदर लगा दिया जाएगा. तो जब भी हम अपने पास स्लैब को डिजाइन करते हैं तो एक मीटर बीम के लिए करते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इसको जब डिजाइन करेंगे तो हम विड्थ कितना मान के चलेंगे, पर यूनिट विड्थ के अकॉर्डिंग मान के चलेंगे. तो 65 का आंसर क्या होगा, ए अपने पास हो जाएगा. ठीक है, और जितना हो सके ना 52 वीक वाला जो अपने पास टेस्ट सीरीज रहता है वो टेस्ट को दिया करो, और जिसका सॉल्यूशन होता है वो आप चेक देखा करो, यहाँ पे मैच किया करो कि आपने किया क्या था और आंसर आपके पास क्या क्या एक्सपेक्टेड हो सकते हैं. ठीक है, जो क्वेश्चन का बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखोगे तो वहां पे आपको सिर्फ आंसर मिलेगा, जबकि सॉल्यूशन में आपके साथ क्या हो रहा है कि हम जो भी अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं हम उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को बताया करो कि वो भी टेस्ट दे, और साथ में जो सॉल्यूशन अपने पास चेक करने के लिए रहता है उसके लिए ऑनलाइन आना जरूरी है यहाँ पर. ठीक है, हाँ चलिए करते हैं, अभी जूम करते हैं. ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन का. स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप नियर द सपोर्ट. अब बात होती है कि स्टीरअप क्या होता है, जो अपने पास शियर एनफोर्समेंट होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीरअप बोलते हैं. आपने देखा होगा ना अपने बीम के अंदर या कॉलम के अंदर ऐसे अपने पास बीम ऐसे रेनफोर्समेंट लगते हुए, इन्हें क्या बोलते हैं, स्टीरअप बोलते हैं. तो अगर आप कोई भी बीम देखोगे ना तो बीम के अंदर क्या होता है कि ये जो अपने पास बार है ये रजिस्ट करती है शियर को. किसको रजिस्ट करती है, शियर को रजिस्ट करती है. और जब आपको बीम के बारे में पता होगा, जब हम सोम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो मैक्सिमम बेंडिंग है वो कहां पर होगा, सेंटर पे, और मैक्सिमम शियर है वो कहां पर होगा, सपोर्ट पे. इसलिए ये जो अपने पास रेनफोर्समेंट है ये स्टीरअप वाली वो यहां तो लगती है पास पास, पर जैसे सेंटर में आते हैं तो ये दूर 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 प्रोवाइड होने लग जाता है, और फिर सपोर्ट पे आते ही क्या हो जाती है, पास पास. तो इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा कि स्पेसिंग सपोर्ट के पास कैसी होती है, तो आप क्या बोल दिए, मिनिमम बोल दिए. पर नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा सपोर्ट की जगह पर आपसे पूछ लिया कि सेंटर पे स्पेसिंग क्या होती है तो आंसर आप क्या करोगे, मैक्सिमम करोगे. समझ में आ गया बात को, देखो दोनों ऑप्शन बताएं कि भाई कम कहां पर होता है, ज्यादा कहां पर, ये आपको याद रखना है. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 जो है वो रिलेट करता है कॉलम से. अगर कॉलम के अंदर जब हम डिजाइन करते हैं इसको एक्सली कॉलम के लिए तो वहां पर हम निकालते हैं ई मिनिमम. क्या निकालते हैं, ई मिनिमम, जो कि मैक्सिमम होता है किसका, एल अनसपोर्टेड डिवाइड बाय 500 प्लस में लिस्ट लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाय 30 और 20. तो यहां से तो हमारे पास कोई लेंथ ना दे रखा है ना कोई डायमेंशन दे रखा है, तो यहां से हम ये 20 ले लेते हैं और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, जब भी आपके पास डायमेंशन गिवन होता है तो आप इसको यूज करते हैं, एल अनसपोर्टेड प्लस लिस्ट लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाय 30 और 20. इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वह ई मिनिमम का वैल्यू कहलाया जाता है. तो आंसर हमारे पास यहां पर क्या होगा, अपना 20 mm होगा, मिनिमम सेंटर पर होगी. हाँ बिल्कुल सही, शियर पे मतलब सेंटर पे बिल्कुल कम रहता है ना के बराबर, इस कारण से सेंटर पे क्या होगा, स्पेसिंग मैक्सिमम होगा. अगेन एक क्वेश्चन आपके पास किससे रिलेटेड आता है, अपने कॉलम से, और कहता है कि 300 × 300 mm का RCC कॉलम है जिसके अंदर 8 बार लगा हुआ है, 4 बार है अपने पास 12 mm का. ठीक है, और 4 बार किसके हैं, 12 mm डायमीटर के हैं. ठीक है, और कह रहे जो डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज है मतलब स्टीरअप है वो 6 mm की है. कह रहे पिच ऑफ लैटरल टाइज आपको बताना है. अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें ना पिच निकालने का, तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिंग. क्या बोलते हैं, स्पेसिंग. और ये मिनिमम ली जाती है किस किस का, एक तो होता है लिस्ट लैटरल डायमेंशन का, ओके, एक होता है 60 × 5 और एक अपने पास होता है 300 mm. तो अगर लिस्ट लेटर डायमेंशन बोले तो 300 × 300, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 300 अपने पास हो गया. 16 × 5 तो 16 × 12 अपने पास हो जाएगा, जहां से वैल्यू कितना आ जाएगा, 192 mm अपने पास आ जाएगा. और तीसरा क्या है, 300. अगर इन तीनों में मिनिमम बात करें तो इन तीनों में मिनिमम कितना निकलेगा,
192 mm निकल जाएगा। ओके, तो आपका आंसर इसका क्या निकल जाएगा, 68 का सी यहां पर निकल जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की, 69 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 69 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रिलेट करता है कंक्रीट बीम से। ओके, क्या कहता है, कहता है कि एक सिंगल रिइंफोर्समेंट कंक्रीट बीम है जिसका 25 सेंटीमीटर विड्थ है, 70 सेंटीमीटर इसका इफेक्टिव डेप्थ है, जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टील के साथ में, जिसका मॉडुलर रेशियो कितना है 15। इसे हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना है। इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है जो आप इसके लिए यूज करते हैं वह अपने पास क्या होता है, वह होता है बी इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एम ए एस टी डिवाइड बाय एक्स माइनस डी। यह आपके पास फॉर्मूला होता है न्यूट्रल एक्सिस निकालने का। सॉरी, इसका उल्टा कर दिया, ठीक है, क्या होता है d माइनस एक्स, ये आपके पास फॉर्मूला रहता है। b कितना है 25 है, x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, m का वैल्यू कितना है यहाँ पर, m का वैल्यू है 15, ast की वैल्यू कितना है 18.75, d का वैल्यू कितना है अपने पास 70 माइनस x। इसको आप सोल्व आउट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा x का वो मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अपना C हो जाएगा। तो 69 का आंसर किसका C आ रहा है जल्दी से बताओ, और वीडियो को बेटा लाइक और शेयर करते रहा करो, अपने अपने स्टेटस पे लगा ला करो जो बाकी लोग भी आके देख सके। मान के चलिए जो लोग पेपर नहीं देते वो एटलीस्ट क्वेश्चन तो देखे कि क्वेश्चन किस प्रकार के रहते हैं जो अपने पेपर में आ सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और उनको हमें करना कैसा है। क्लियर है क्या बात को, तो जल्दी जल्दी कर दो और अपने साथ में इसको शेयर भी कर दीजिए बाकी लोगों के साथ में, जो वो लोग भी आ सके। ठीक है, कर दिया क्या आप सभी लोगों ने, जल्दी जल्दी से कर दो 2 मिनट के अंदर। ठीक है, फिर 70 क्वेश्चन तो सर्वे का है, सर ने करवा दिया था, 71 भी अपने सर्वे का है, 72 भी अपने पास सर्वे का ही है, 73 भी हो गया, 74 भी हो गया, 75 भी हो गया, 76 की बात करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन किसका है, 76 नंबर क्वेश्चन है अपने पास ब्रिक का। कह रहा है ब्रिक के अंदर एक इंडेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, ब्रिक के ऊपर आपने देखा होगा कि ब्रिक के टॉप सरफेस पर एक अब निशान होता है जिसे हम बेटा क्या बोलते हैं, फ्रॉक कहते हैं। तो ये उसी की बात कर रहा है। अगर आपसे फ्रॉक का साइज पूछ ले तो आप 10 × 4 × 1 × 2 आप करके आओगे। ओके, अगर आपसे इसका पर्पस पूछ ले तो आपको इसके पर्पस क्या करके आना है कि यह है की जॉइंट के लिए होता है दो ब्रिक के बीच में, ये क्या होता है की जॉइंट के लिए होता है, आंसर क्या होगा फ्रॉक। अगर पैलेट स्ट्राइक की बात करें तो ये ट्रांसफर करने के काम आता है, ठीक है, ट्रांसफर दी ब्रिक, यह ब्रिक को अपने टेबल से जो ड्राइंग वाला पोजीशन है वहां पर ले जाने के काम आता है। ओके, अगर स्ट्राइक का काम करे तो यह जो अनइवन सरफेस होता है ब्रिक के ऊपर से तो उसको ये हटा देता है, ठीक है, रिमूव अनइवननेस ऑफ ब्रिक, जो ब्रिक के ऊपर अनइवननेस होता है इसको ये रिमूव कर देता है। ठीक है, इसके अलावा एक स्टोक बोर्ड और होता है जो ये फ्रॉक बनाने के काम में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन जो भी आपके पास है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि कौन सा डिफेक्ट होता है जो एल्केलीज के कारण से आता है, तो उसे एफ्लोरेंस कहते हैं, उसे एफ्लोरेंस कहते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, तो एल्केलीज के कारण से क्या आता है, एफ्लोरेंस आता है। अगर क्रैक्स पूछे कि किस कारण से आता है तो याद रखना यह श्रिंकेज के कारण से आता है। किस कारण से आता है, श्रिंकेज के कारण से आता है। ब्लोटिंग अगर आपसे पूछे तो ब्लोटिंग अपने पास जो रहता है वह कार्बोनेस मैटर के कारण से आता है। किस कारण से आता है, कार्बोनेस मैटर के कारण से आता है। अगर ब्लैक कोर की बात करें तो यह अपने पास किस कारण से आता है, तो यह बिटुमिनस मैटर के कारण से आता है। अगर ब्रिक अर्थ के अंदर ये कंपोनेंट रह जाते हैं तो ये डिफेक्ट्स हो जाते हैं, इसके अलावा और भी डिफेक्ट्स होते हैं। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इंपार्ट रेड कलर, अगर रेड कलर आपसे पूछे तो आंसर क्या करके आओगे, आयरन ऑक्साइड। और आपसे अगर येलो कलर पूछता तो आंसर क्या करके आते, आंसर मैग्नीशिया करके आते। ठीक है, आंसर क्या करके आते,
मैग्नीशिया करके आते, कह रहा है कि टिम्बर के अंदर अगर कोई राउंडेड सरफेस आ जाता है तो वह टिम्बर को क्या कहते हैं, तो उस डिफेक्ट्स को वेन कहते हैं। ओके, अगर टिम्बर के अंदर कोई राउंड सरफेस निकल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, वेन कहते हैं। अब बात आता है कि चिपमार कब आता है, तो यह है फिनिशिंग के दौरान आपके पास निकल के आता है। फिर बात आता है कि टोन ग्रेन कब आपके पास आता है, तो यह है किसी चीज के गिर जाने के कारण से आता है, फेलिंग ऑफ टूल के कारण से आता है। डायगनल ग्रेन्स कब आता है, तो यह है टिम्बर के सोविंग के कारण के दौरान आता है। सर क्वेश्चन का सेट चाहिए तो हाँ आपको मिल जाएगा, आप लॉग इन कर लीजिए जाकर इंजीनियरिंग अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर बिफोर सेटिंग ऑफ सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट दिस टेस्ट शुड बी परफॉर्म। अगर बात करें कंसिस्टेंसी टेस्ट सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो वाटर कंटेन है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पी कहते हैं, और सेटिंग टाइम के अंदर जो पानी यूज किया जाता है, सेटिंग टाइम के अंदर जो पानी यूज किया जाता है वो इसी का ही 85% यूज किया जाता है। स्ट्रेंथ में अगर पूछे तो इसी का ही P/4+3% लिया जाता है, और अगर साउंडनेस में पूछे तो इसी कंसिस्टेंसी का 0.78 P लिया जाता है। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा हुआ, कंसिस्टेंसी हुआ, क्योंकि इसके वाटर कंटेंट के बिना बाकी के टेस्ट हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ टाइल्स। मैं बता देता हूँ जितने भी ये टेस्ट है ये ब्रिक के लिए भी यूज किए जाते हैं, जब हम ब्रिक को स्ट्रक्चर में यूज लेते हैं, और सेम टाइल और सेम टेस्ट हम किसके लिए यूज लेते हैं, टाइल। स्ट्रेंथ टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट, ट्रैवर्स स्ट्रेंथ एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, ये सारे टेस्ट ब्रिक के लिए होते हैं और हम इसके लिए भी करते हैं। बिल्कुल सही, P/5+2.5%, बिल्कुल सही जवाब है आपका। फिर बात करते हैं मैच द फॉलोइंग क्वांटिटीज क्वालिटीज विद द टेस्ट। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस का मतलब होता है कि आपने अपने फिंगर से स्क्रैच किया और कोई भी इंप्रेशन नहीं आया, तो नो इंप्रेशन और ब्रिक, पहले का दूसरा, तीन में है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने पास किस टेस्ट का, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जब तक कंप्रेस करते हैं जब तक कि वह टूट ना जाए, तो डी का पहला किसमें है, डी के अंदर है, तो आंसर अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शन की बात करें तो जैसे कि आपको क्या दे रखा है, वाटर एब्जॉर्प्शन दे रखा है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पानी में भिगोने पर उसमें 24 घंटे के बाद 20% से पानी नहीं आना चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए, 22% होता है सेकेंड के लिए, और 25% होता है थर्ड के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 83 का कह रहा है विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो पहला अपने पास होता है कि अगर मैं सीमेंट को फाइनेंस ग्राइंडिंग कर रहा हूं तो वह फाइनेंस कहलाता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा अपने पास क्या होता है कि जब मैं सीमेंट को चेंज करता हूं हार्ड मास में तो वह सेटिंग ऑफ सीमेंट कहलाता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर बात आता है कि आपके पास अगर सीमेंट के अंदर से कोई साउंड ट्रांसफर नहीं हो रहा तो क्या वह साउंडनेस कहलाता है, बिल्कुल भी गलत। साउंडनेस का मतलब क्या होता है कि जब सीमेंट सेट होता है तो उसके बाद में उसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं करना चाहिए, तो वह साउंडनेस ऑफ सीमेंट कहलाता है। ओके, और जबकि अपने पास केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट निकलती है उसे हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सी अपने पास गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी अपने पास हो जाएगा। फिर बात करते हैं 84 का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट के लिए प्रोपोर्शन क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ए। और आपको पता है कि जो सीमेंट के लिए अपने पास प्रोपोर्शन है उसके लिए ट्रिक क्या होता है, लसाक इंसा, और लसाक इंसा के अंदर एल क्या होता है, लाइम होता है, एस क्या होता है, सिलिका होता है, ए क्या होता है, एल्युमिना होता है, सी क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, आई क्या है, आयरन ऑक्साइड है, एम क्या है, मैग्नीशिया है, एस क्या है, सल्फर है, ए क्या है, एल्कलीज है, और परसेंटेज कितना होता है, 60, 62, 17, 5, 4, 3, 2, 1, 1। जब आप ये सीरीज दे चेक करोगे तो आपको आंसर अपना क्या मिल जाएगा, ए अपने आप ही मिल जाएगा। 85 के अंदर अपने पास क्या होता है कि कह रहा है कि जब हमने टिम्बर को
ये हमारे पास कोई टिम्बर सरफेस है, कह रहा है कि जब हमने इस टिम्बर को इसके किनारों से हमने इसको जलाया कितने एमएम तक, 15 एमएम तक, तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है, तो उसको बेटा चारिंग कहते हैं। मैं बताता हूँ इसमें एक्चुअल में होता क्या है। पहले टिम्बर को है ना कुछ भागों को जलाया जाता है, जब टिम्बर जलने लग जाता है ना तो उसको हम पानी में भिगो देते हैं। जैसे ही पानी में भिगोते हैं ना तो उसके सरफेस पे एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का सा लेयर सा लग जाता है, और वो उसके बाद तुम वहां पर अगर आप आग लगाओगे ना तो वह आग लगेगा नहीं। तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, अपना चारिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 85 का, अपना ए हो जाएगा। फिर बात करते हैं 86, कोपिंग क्या होता है। अगर मैं कोपिंग की बात करूं ना, आपने अगर अपना बाउंड्री वॉल देखा होगा, अगर आपने अपने बाहर का बाउंड्री वॉल देखा होगा तो आप देखना बाउंड्री वॉल के टॉप सरफेस पर, आप देखना बाउंड्री वॉल के टॉप सरफेस पर इस तरीके से आप एक प्रोजेक्शन बना देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि जब भी बरसात का पानी आएगा ना तो पानी यहाँ से आएगा और गिर जाएगा। और जो ये आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं, कोपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोपिंग कहते हैं। तो मतलब कोपिंग का मतलब क्या होता है कि जो दीवार के ऊपर जो पानी आएगा उसको निकालने के लिए जो भी हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, कोपिंग कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि कवरिंग प्रोवाइड की जाती है टॉप सरफेस पर, एक्सटर्नल वॉल पर, जो पानी को वहां से क्या कर सके, निकाल सके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अपना सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, अपना सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86 का आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, अपना सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कूर्मिका क्वेश्चन। बैट इज ए प्रोपोर्शन ऑफ, बेटा बैट क्या होता है कि जब हम किसी ब्रिक को विड्थ वाइज कट करते हैं ना तो जो हमें पोर्शन निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे बैट कहते हैं। अगर मैं इसी ब्रिक को लेंथ वाइज कट करता हूँ ना, अगर मैं इसी ब्रिक को लेंथ वाइज कट करता तो वह क्या कहलाता, वह क्लोजर कहलाता। क्या कहलाता, क्लोजर कहलाता। तो अभी हमारा क्या है, बैट है, जिसको हम विड्थ वाइज काटने के बाद हमें मिल जाता है। ठीक है, फिर बात करता है हाइट ऑफ मोल्ड यूज फॉर स्लंप। यह SSC 2021 के अंदर भी आया था, और होता क्या है कि यह हमारा स्लंप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रस्टम कॉनिकल। अगर हम बात करें ना, यह होता है 10 सेंटीमीटर, अगर इसका अगर हम बात करें तो यह होता है 20 सेंटीमीटर, और अगर हम हाइट की बात करें तो यह होता है 30 सेंटीमीटर। तो अपने पास हाइट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 300 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 300 mm अपने पास हो जाएगा। फिर कह रहा है कौन सा प्रोसेस होता है जहां पे कंक्रीट को प्रॉपर और एक्यूरेटली मेजरमेंट किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैचिंग बोलते हैं। मिक्सिंग के अंदर क्या होता है, जो अलग अलग प्रोपोर्शन है उनको यूनिफॉर्मली मिक्स करना मिक्सिंग कहलाता है। क्यूरिंग क्या होता है कि मिक्सिंग के दौरान जो हमने पानी यूज करा है वो इवोपरेट ना हो और वो हीट ऑफ हाइड्रेशन में यूज हो सके, तो हमेशा सरफेस को वेट बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे क्यूरिंग कहते हैं। ग्रेडिंग क्या होता है, टिम्बर ब्रिक का अलग अलग ग्रेडिंग होता है, अपने कॉन्क्रीट का अलग अलग ग्रेडिंग होता है, M5, M10, M15, तो वो उसे ग्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब क्वालिटी ऑफ ब्रिक बताते हैं इनडायरेक्टली हमें वो। फिर बात करते हैं साइज ऑफ क्यूब यूज टू डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट के लिए जो क्यूब यूज करते हैं वो कितना है, 150 mm का होता है। अगर बेटा याद रखना, अगर यहाँ कॉन्क्रीट की जगह अगर यहाँ पे सीमेंट होता ना तो इसी का आंसर कितना हो जाता है, 70.6 mm हो जाता है। याद रखिएगा ये बात, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट गलत कर देते हैं। ठीक है, कंक्रीट के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करा तो 150 वाला क्यूब यूज करेंगे, और सीमेंट के लिए अगर कंप्रेसिव किया तो 70.6 वाला करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, जो हमारा किससे रिलेटेड है, स्टील से रिलेटेड है। अब आपके पास कह रहे हैं नंबर ऑफ रिविट बताओ, तो नंबर ऑफ रिविट का बेटा फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, ये होता है कि अपने पास लोड कितना आ रहा है और नीचे होता है अपने पास रिविट वैल्यू। तो लोड कितना आ रहा है, 120, और रिविट वैल्यू कितना है, 30। कट कर दो, वैल्यू कितना आ गया, 4। तो आंसर कितना निकल गया, सी निकल गया। क्या निकल गया, सी। तो 91 का आंसर कितना आ गया, सी आ गया। हाँ बिल्कुल सही, लोड डिवाइड बाय रिविट वैल्यू। फिर कह रहा है अगर थिकनेस ऑफ वेल्ड प्लेट 25 mm है
तो साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, तो इसके लिए आंसर कितना होता है, 6 होता है। एज पर कोड IAS 800 ये क्या कहता है कि अगर 0 से 10 mm का प्लेट है तो साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, 3 mm होगा। अगर अपने पास 10 से 20 mm का प्लेट है तो साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, 5 होगा। और अगर 20 से 32 mm का प्लेट है तो साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, 6 mm होगा। और अगर अपने पास 32 से 50 mm है तो साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, 8 mm होगा। तो आंसर कितना यहां से निकल के आ गया, आंसर 6 mm निकल के आ गया। ओके, तो आंसर कितना हो गया इसका, सी हो गया। फिर बात करते हैं 93 नंबर का, कह रहा है प्लास्टिक सेक्शन में शे फैक्टर ट्रायंगुलर सेक्शन का कितना होता है, 2.343 होता है। ओके, अगर आपसे डायमंड सेक्शन पूछ लेता तो वह कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अगर आपसे रेक्टेंगुलर सेक्शन पूछ लेता है तो कितना हो जाता है, 1.5 हो जाता है। अगर सर्कुलर पूछ लेता है तो कितना हो जाता है, 1.69 हो जाता है। अगर होलो सेक्शन पूछ लेता है तो 1.27 हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ सेक्शन के आई सेक्शन भी हमसे, कुछ शेप फैक्टर हमसे पूछ सकता है। फिर बात करा कि बीम के अकॉर्डिंग जो IS 800/1984 है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना होता है। अगर एवरेज की बात करें तो यह अपने पास 0.4 FY होता है। अगर हम पूरा सीरीज आपको बात करें यहाँ पर, अगर आपसे कहता है कि परमिसेबल अपने पास बियरिंग बताओ तो वह 0.75 FY होता है। अगर आपसे पूछता है कि परमिसेबल बेंडिंग स्ट्रेस बताओ तो वह 0.66 FY अपने पास होता है। और अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अपने पास एक्सियल कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल बताओ तो 0.6 FY होता है। और अगर आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताओ तो वह कितना होता है, तो वह 0.45 FY होता है। और अगर एवरेज शियर अगर आपसे बोल दे तो 0.4 FY अपने पास होता है। ठीक है, सारा डाटा आपको याद रखना है, कभी भी किस्मत खराब हो सकता है आपके साथ। फिर बात करते हैं कि डिस्टेंबर अपने पास क्या होता है। डिस्टेंबर मतलब जैसे हम दीवारों पर लगाते हैं, और किस किस का मिक्सअप होता है, चौक प्लस पिगमेंट प्लस वाटर। मतलब हम ये बोलेंगे कि अगर चौक प्लस में पिगमेंट और प्लस पानी को हम लगा देते हैं तो उसका मिक्सअप क्या कहलाता है, डिस्टेंबर कहलाता है। जो कि मेनली पर्पस कहाँ के लिए होता है, अपने इंटीरियर सरफेस के लिए होता है, एक्सटर्नली यूज नहीं करते, क्योंकि इसका जो वेदनिंग क्वालिटी है वो बहुत खराब होता है। इसलिए इसको कहाँ यूज करते हैं, हमारे अंदर वाले हिस्से पर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास ये तो ट्रांसपोर्ट का है, ये हो गया होगा, ये भी ट्रांसपोर्ट का है, ये भी अपना हो गया होगा। फिर बात करते हैं एसबीटर में, ये भी अपना हो चुका है और ये भी अपना हो चुका है। ठीक है, और जो अपने पास इरिगेशन आर्ट्स अपना हाइड्रोलॉजी बढ़ रहा है वो सर करवाएंगे अभी आपको आके। ठीक है, कहाँ कराएंगे सर आपको, अभी कराएंगे, रुकना, वेट करना। तो आपसे सर कंटिन्यू करेंगे इसके आगे वाले पार्ट को, जो आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो बचे हुए ना इरिगेशन और अपने पास हाइड्रोलॉजी, तो उन्हें आप सर डिस्कस करेंगे अपने। ठीक है, राहुल सर अभी आ रहे हैं तो आप वेट करिएगा थोड़ा सा। ओके, तो सबके कितने कितने नंबर बने ये तो बता दीजिए, जो पता तो चले नंबर कितने बने आप लोगों के, बताइए। आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा ना, और जितना हो सके ना अपने अपने इन जितने ग्रुप रहते हैं उन सब पे इसको शेयर कर दिया करो, जो वो लोग भी इसको आके देख सके। ठीक है, 100 नंबर कुछ ज्यादा बन गए भाई। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जितना भी ग्रुप हो तुम्हारे पास स्टूडेंट्स का
उन सब जगह शेयर करो जो वो लोग भी आ सके। इतने लोग पेपर देते हैं फिर कम लोग देखते हैं, तुम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी आके सेशन को देखें, ठीक है? जल्दी से बताइए, और बाकी किस किस के कितने नंबर आए जल्दी से बताइए, बाकी लोगों के कितने नंबर आए बताइए जल्दी से। सर टेस्ट कैसे होता है पता ही नहीं चलता है, तो अपने पास जो टेक्निकल टीम का नंबर है अपने पास निम्बस के, उस पर फोन कर लो आप, उस पर आप फोन कर लीजिए, वो आपको बता देंगे पूरा प्रोसेस, ठीक है? या आप इस पर फोन कर लेना मुझे, ठीक है? 8854029661, तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? लीजिए सर आ गए हैं, सर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ये लीजिए। गुड इवनिंग, अरे अब तो टाइम ही हो गया बताइए। चलिए स्टार्ट करें, जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए थे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, हाइड्रोलॉजी से, इरिगेशन से। चलिए ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्लूइड मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, बताइए जरा फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी, डेफिनेटली जल्दी कराएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे। सर कोई बेस्ट बुक सजेस्ट कर दीजिए प्लीज जनरल इंजीनियरिंग के लिए, जनरल इंजीनियरिंग के लिए। देखिए जनरल इंजीनियरिंग के लिए तो ऐसा तो कुछ है नहीं, जनरल इंजीनियरिंग की किस चीज की बात करें, बेसिक पार्ट की जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होती है वो चीज की, क्योंकि तो पर्टिकुलरली जो जेएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए या फिर किसी DSSS के वहां पर जनरल इंजीनियरिंग पूछी जा रही है आजकल, वो चीज हो सकती है। ऐसा तो जनरल इंजीनियरिंग की काफी सारी बुक अवेलेबल होगी मार्केट में, देख लीजिए यार। बाकी यहाँ पर डेफिनेटली कराया जा रहा है हर चीज का, हर सब्जेक्ट का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। नेम द पाइप विच इज प्रोवाइडेड इन द सेप्टिक टैंक फॉर डिस्चार्ज ऑफ द फाउल गैसेस। फाउल गैसेस की बात करिए यहाँ पे, फाउल गैसेस की बात की जा रही है, फाउल गैसेस में हम कौन सा यहाँ पे सेप्टिक टैंक में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, वो चीज पूछी जा रही है। तो यहाँ पर बताइए एंटीसाइफनस आउटलेट वेंट और मेन होल, आंसर क्या होना चाहिए इसका, आंसर फटाफट कीजिए, आंसर फटाफट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। अच्छा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, देखिए अभी तो मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है बुक्स वगैरह का, बट यहाँ पर डेफिनेटली कुछ कोर्सेज यहाँ पर क्या ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो ऑनलाइन यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री है बेसिक इंजीनियरिंग का, वहाँ पर आप उसको कीजिए तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको थोड़ा सा बेनिफिट लगेगा मिलेगा आपको। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पर सी वेंट पाइप होते हैं, सिंपल सी फाउल गैसेस को यहाँ पर रिमूव करने के लिए वो चीज यहाँ पर की जा रही है, मेन होल्स वगैरह आउटलेट पाइप्स वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए जाते। बताइए जरा नेक्स्ट कंडीशन, SSC का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू अ सर्कुलर चैनल सेक्शन यूजिंग मैनिंग्स फॉर्मूला, बताइए जरा। 3 साल बाद आज एनवायरमेंटल, अभिलेश मीणा बोल रहे हैं, अब आपको एनवायरमेंटल पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप कोई भी, देखिए एनवायरमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी इंजीनियरिंग के लिए, किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्ट कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर वहां पर कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, अगर कोई सब्जेक्ट हटा भी देते हैं तो वापस से आ जाता है एनवायरमेंट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप देख ही रहे हो कि एनवायरमेंटल आज के क्लाइमेटिक चेंज का कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो वो सब इसमें पढ़ते हैं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू अ सर्कुलर चैनल सेक्शन यूजिंग मैनिंग्स फॉर्मूला, काफी बार ये क्वेश्चन आता है, आंसर आपको पता है 0.398, जो 0.938D। अब आप मुझे ये बताइए, ये तो था मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए, कमेंट करके ये बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। एक और हमारे पास आता है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए,
डेप्थ की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डेप्थ की वैल्यू क्या होती है, वो चीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए जी। ट्रांसपोर्ट भी मतलब आरएसबीसीबी वाला पेपर देने की तैयारी में है, ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंट दोनों ही अब वहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है। When in the pervious strata, the surface of water surrounding the well is at atmospheric pressure. The well is known as pervious strata की बात की जा रही है, pervious strata मतलब simply वहाँ पर जो strata है वो impervious नहीं है, मतलब सिंपल मिट्टी है, मतलब सैंड की बात कर लो आप, परिवेश में बात कर सैंड की बात कर लो वो चीज आप ही बात करें, इंपरवियस की बात करते हैं तो रॉकी वाला आ जाता है, क्ले वाला आ जाता है, बट ये परिवेश स्ट्रेटा की बात कर रहा है। और जो वेल के जो टॉप पोस्ट पॉइंट की बात करें वहां पर जो है चीज हो रही है वो है एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो वहां पर उसको वेल को क्या बोलते हैं वो चीज बात की जा रही है। बताइए आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा 1.12 डी आंसर, 0.1 डी फॉर मैक्सिमम। अभिलेश मीणा ने सही बताया है वो चीज 0.81 डी वाला, वेलोसिटी की बात की जा रही थी, ठीक है। 1.91 वाले बता रहे कोई, डेप्थ की बात की जा रही थी ओके यहाँ पर आंसर जो है उस कंडीशन में पॉइंट जो 9.81 वाला था वो आंसर उसका सही था, वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग जो पूछा था। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो ग्रेविटी वेल है। अरे आर्टिजन वेल तो उसको बोलते हैं, यहाँ पे कंफाइंड एक्वीफर वाला करो, आर्टिजन वेल हमारे पास क्या होता है दोनों तरफ से हमारे पास इंपेरमियल लेयर होती है उसमें ही फिर वाटर फ्लो करता है तो वो आर्टिजन वेल कहलाता है। तो वहां पर ये नहीं आएगा आर्टिजन वेल मतलब कंफाइंड वाला, यहाँ पर ग्रेविटी वेल उसको बोलते हैं। सिंपल सा आंसर थर्ड वाला का ए, जिन्होंने आंसर लगाया है उनका आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा थर्ड वाले का ए। पता ये जरा नंबर 4, बी कोली और ई कोली आर हार्मलेस ऑर्गेनिज्म बट देयर प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट। ई कोली और बी कोली अगर वाटर में अवेलेबल है दे आर हार्मलेस ऑर्गेनिज्म है बट वो वाटर में क्या है प्रेजेंस है, तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक, एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक, प्रेजेंस ऑफ नॉन पैथोजेनिक, एब्सेंस ऑफ नॉन पैथोजेनिक, क्या आंसर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, आपने क्वेश्चन काफी बार किए हैं एसएससी की सीरीज में, बहुत बार अपने आप लगाया इनको और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार रिपीट होते रहते, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनवायरनमेंट की तैयारी करें, ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो नए सब्जेक्ट जुड़े हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में स्टेट्स के एग्जामिनेशन में वो भी आपके यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या डिनोट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिनोट करते हैं तभी तो हम इसको यूज करते हैं एमपीएन नंबर्स वगैरह में काउंट करने के लिए, वो टेस्ट वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे फोर्थ का हमारे पास ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ क्वेश्चन, बताइए जरा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सोप सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ परमानेंट लेदर विद अ वाटर सैंपल ऑफ नॉन वॉल्यूम विद अ कांस्टेंट शेकिंग डिटरमाइंस द टोटल हार्डनेस इन, बताइए टोटल हार्डनेस इन, द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सोप सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ परमानेंट लेदर वेदर विद अ वाटर सैंपल टू ऑफ नॉन कंडीशन। यस बेसिक है ये, तो डेफिनेटली बेसिक क्वेश्चन है ये सारे बेसिक क्वेश्चन है जो भी क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या होगा इसका, काफी लोगों ने आते हैं डॉक्टर क्लार्क्स प्रोसेस, हार्डनेस मेजर करने का ये प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं एज ए नेम, मतलब इन्होंने ही सजेस्ट किया, इन्होंने ही इन्हें दिया हुआ प्रोसेस है डॉक्टर क्लार्क प्रोसेस। ओके तो ये चीज फिफ्थ में ए ऑप्शन इज द करेक्ट। एयर वॉल्स इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर प्रोवाइडेड एट, एयर वॉल्स इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर प्रोवाइडेड एट डेड एंड्स इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन junction of main and branch pipe, summit point on the water mains, places where the pressure is minimum. बताइए जरा air walls water distribution network में कहाँ provide करवाए जाते हैं, फटाफट से answer दीजिए, काफी basic question है आपको पता होंगे। fourth के यहाँ पे sixth का हमारे पास क्या हो जाएगा, C summit point पर जब हमारे पास vapor pressure क्या होता है ज्यादा क्या होता बहुत ही low हो जाता है तो जो air accumulate हो जाती है pipes वगैरह में उसको क्या होता है एक्सेस को रिमूव करने के लिए, जो एक्सेस जमा पास एक्युमुलेट हुई है उनको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सबमिट पॉइंट पर एयर वॉल्स प्रोवाइड करवाते हैं, एयर वॉल्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा इसका और हमारे पास एक स्लुइस वॉल भी होते हैं, स्लुइस वॉल इनके आसपास प्रोवाइड करवाते हैं दोनों के, एयर वॉल्स यहाँ पर ये स्लुइस वॉल वो भी सबमिट पॉइंट पर ही होते हैं बट वो नियर बाय द एयर वॉल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्लुइस वॉल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, वो क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा एक क्वेश्चन है, जनरल इंजीनियरिंग का भी एक क्वेश्चन आप कह सकते हो या फिर सिंपल सा जीके वगैरह में भी एक क्वेश्चन पूछा चल जाता है।
which type of light energy is effectively absorbed by CO2 in the lower boundary of troposphere? पॉल्यूशन ये जो हमारे पास में पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन वाला चैप्टर था एनवायरमेंट में वहां पर ये कभी कभी पढ़ा दिया जाता है वो चीज यहाँ पर क्वेश्चन है बताइए जरा which type of light energy is effectively absorbed by the CO2 in the lower boundary of the troposphere कौन सा एक्सरे यूवी रेज विजिबल और इंफ्रारेड्स बताइए जरा पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर शाशी शेखर बोल रही है पीडीएफ कहाँ मिलेगा पीडीएफ देखिए इसका पीडीएफ तो आइडिया नहीं है डिस्क्रिप्शन में अगर होगा तो लेकिन इसका जनरली ये पेपर है ये पेपर और का 52 वीक का पेपर है जो जनरली संडेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है उसी का ही एक ये सॉल्यूशन यहाँ पर करवाया जा रहा है ओके 52 वीक का पेपर है संडे को ऑर्गेनाइज होता है उसी के चीज के पेपर का सॉल्यूशन है वही चीज यहाँ पर इन्वॉल्व है तो यहाँ पर जितना आंसर है सभी आंसर गलत दे रहे हैं यहाँ पर इंफ्रारेड इसका आंसर है याद रखने वाला टाइप क्वेश्चन है ये इंफ्रारेड इसका आंसर है बताइए जरा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीवेज में से हेटरोट्रॉप is an organism that obtains heterotroph की बात की जा रही है ठीक है is an organism that obtains कहां से ही अपना फूड को यहां पर ऑब्टेन करता है वो चीज है इट्स सेल कार्बन फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक सोर्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट्स सेल कार्बन एज वेल एज इट्स एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर इट्स एनर्जी फ्रॉम एन नेचुरल इकोसिस्टम बताइए क्या आप आंसर होगा इसका एट नंबर के क्वेश्चन का एट नंबर हमारे पास क्वेश्चन है बताइए जरा बीबी वालों नव्या सिंह आंसर नहीं दे रही है आंसर बताइए नव्या यहाँ पे काफी सारे मैसेज को रिट्रीट किए रिट्रैक्ट किया जा रहा है डिलीट किया जा रहा है बताइए तो यहाँ पर हीटरोट्रॉप जब बात की जाती है तो ये सारे जो हैं ये अपना फूड जो लेते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वहां से यहाँ इनका फूड जनरेट होता है जनरली प्लांट्स की लीव्स वगैरह हो गई इस तरीके से चीजें हो गई एनिमल्स वगैरह की जो डीके वाले जो कंपोजिशन होता है वहां से ही अपना क्या करते हैं अपने और फूड को ऑरिजिनेट करते हैं तो इट्स सेल कार्बन एज वेल एज इट्स एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक नंबर नाइन क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन है बोथ रेनॉल्ड्स एंड फ्रॉस्ट नंबर्स अज्यूम सिग्निफिकेंस इन वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल रेनॉल्ड्स नंबर एंड फ्रॉस्ट नंबर की बात की जा रही है यहां पर रेनॉल्ड्स नंबर हमारे पास में रो बी डी अपॉन म्यू एंड फ्रॉस्ट नंबर यहां पे हमारे पास में बी अपॉन रोट जी यहां पर आप कुछ भी यहां पर मोस्टली जी बाय मोस्टली होता क्या है रेक्टेंगुलर के केस में आप इसको यूज कर सकते हैं वो चीज है पता है दोनों का सिग्निफिकेंस किसमें सबसे ज्यादा होगा ये चीज पूछी हुई आपसे मोशन ऑफ शिप्स इन अ डीप सीज फ्लो ओवर स्पिलवे क्रूजिंग ऑफ ए मिसाइल इन एयर मोशन ऑफ सबमरीन एट लार्ज डेप्थ तो यहां पर किसका बताइए जरा कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कौन सा मतलब बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट आप लगा सकते हैं वो चीज यहाँ पे क्वेश्चन है तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर काफी लोगों ने ए आंसर दे रहे हैं तो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर ए है फ्लो ओवर स्पिलवे में रोड फ्रॉड नंबर ज्यादा डोमिनेट करता है क्रूजिंग और मिसाइल इन एयर तो यहाँ पर दोनों ही डोमिनेट नहीं करता यहाँ पर तो सिंपली जो मैक नंबर होता है वो यहाँ पर डोमिनेट करता है मोशन ऑफ सबमरीन एट लार्ज डेप्थ तो यहाँ पर भी ये जो नंबर है दोनों के दोनों यहाँ पर क्या करते डोमिनेट नहीं करते सिंपली रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पर डोमिनेट करता है फ्रॉड नंबर का यहाँ पर यूटिलाइजेशन नहीं है बट इनके केस ऑफ मोशन ऑफ शिप्स इन डीप सीज तो वहां पर ये दोनों ही जो नंबर्स है वहां पर ये डोमिनेट करते हैं तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज द फर्स्ट ए वन बताइए नेक्स्ट हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर टर्बाइन डज नॉट रिक्वायर अ ड्राफ्ट ट्यूब ड्राफ्ट ट्यूब किसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं प्रोपेलर पेल्टन कैप्टन और फ्रांसिस किसमें हमारे पास में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बताइए जरा क्या आंसर होना चाहिए इसका नंबर 10 का फटाफट से रिप्लाई जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को देखते रिप्लाई कर दीजिए क्या आंसर होना चाहिए इसका बहुत जल्दी क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ पे थोड़े न्यूमेरिकली हो क्वेश्चन बहुत सिंपल से देख के पुट अप आंसर लगाना आपको जस्ट बताना है तो ड्राफ्ट ट्यूब रिएक्शन टाइप ऑफ टर्बाइन्स में यूज की जाती है एट द एग्जिट पॉइंट पर ये हमारे पास में ड्राफ्ट ट्यूब एग्जिट पॉइंट पे की जाती है रिएक्शन टाइप टर्बाइन के तो यहाँ पे हमारे पास में रिएक्शन प्रोपेलर हो गया कैपिलर फ्रांसिस तीनों ही हमारे पास रिएक्शन टाइप टर्बाइन है ये हमारे पास इंपल्स वाली टर्बाइन है तो पेल्टन इज द करेक्ट ऑप्शन 10 वाला जो है बी हमारे पास में हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे बताइए जरा द फ्रिक्शन फैक्टर्स
इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय, बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका, क्या हमारे पास में आंसर होना चाहिए इस वाले का? किसी को अगर थोड़ा सा भी फॉर्मूला वगैरह पता है इसके बारे में तो आंसर वो दे सकता है इसका, शेयर वेलोसिटी के बारे में। इलेवन का बी बता रहे हैं लोग, बी आंसर बता रहे हैं। तो यहां पर देखिए बाउंड्री शेयर स्ट्रेस इज गिवन बाय, वो चीज यहां पे पूछी फ्रिक्शन कॉफिशियंट इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन कॉफिशियंट के टर्म में, फ्रिक्शन फैक्टर के टर्म में। देखिए हमारे पास में होता क्या है, शेयर वेलोसिटी की अगर बात करें तो ये हमारे पास में किस तरीके से डिनोट की जाती है, अगर इसका फॉर्मूला बताए तो क्या फॉर्मूला होता है और किस दो टर्म्स में ये डिनोट की जाती है। एक हमारे पास में होता है सिंपली एफ बाई एट, सिंपल इस तरीके से वी वेलोसिटी हमारे पास नॉर्मल वेलोसिटी, फ्रिक्शन ये हमारे पास फैक्टर हो गया, ये हमारे पास एट वेलोसिटी इस तरीके से। एक हमारे पास में इसको वॉल शेयर स्ट्रेस के टर्म में, वॉल शेयर स्ट्रेस के टर्म में हम किस तरीके से यहाँ पे डिनोट करते हैं इसको, टाउ नॉट अपॉन रो इस तरीके से डिनोट करते हैं सिंपल से। हमारे पास में यही चीज हमारे पास में पूछी भी इन्होंने दोनों के टर्म में, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ से तो ये हमारा वी स्क्वायर हो गया एफ बाई ए इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास में टाउ नॉट बाय रो, ये चीज गिवन की हुई है। आपको यहाँ पर रिलेशन बनाना है किसमें, एफ और टाउ के बीच में, टाउ नॉट के बीच में, तो बना देते हैं एफ को इधर ले जाते हैं, इसको एट टाउ नॉट कर देते हैं डिवाइडेड बाय रो वी स्क्वायर, ये चीज हमारे पास में क्रिएट हो गई। ये फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, फ्रिक्शन हमारे पास में किस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको, 4f 8 tau naught divided by rho v square, यहां से 4 से 2 कट जाएगा तो 2 tau naught divided by rho v square, b is the correct option, तो b यहां पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ये आपको दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए तो ये आप इसको लगा सकते हैं शेयर वेलोसिटी से करस्पोंडिंग, एक हमारे पास फ्रिक्शन फैक्टर में, एक हमारे पास में सिंपल से वॉल शेयर स्ट्रेस में। तो ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले है, दोनों को इक्वल करना था, आंसर निकालना था इस तरीके से, ओके चीज ये है। चलिए आगे बताइए 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 12 नंबर, सबको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन गेट्स वगैरह में पूछते हैं, अगर किसी ने इस बार गेट का एग्जामिनेशन दिया है, गेट वगैरह का एग्जामिनेशन अगर फाइट करते हैं, गेट वगैरह का एग्जामिनेशन जो अदर एग्जामिनेशन है, तो वहां पर एक क्या पूछा था, सिंपली डायनामिक विस्कोसिटी म्यू की डायमेंशंस, म्यू की डायमेंशन पूछी थी वहां पर उन्होंने एक नंबर में गेट में पूछा, बताइए अब देखिए किस तरीके से। यहां पे बताइए अब जरा कौन किसी से कनेक्टेड है, क्या आंसर इसका होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, एंगुलर एक्सीलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे हमारे पास में ये बी से कनेक्ट हो गया, ये हमारे पास में सी से कनेक्ट हो गया, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड ये गिवन किया हुआ है, तो सी हमारे पास डी से कनेक्ट हो गया, ये बचा हुआ हमारे पास में ए से कनेक्ट हो गया, तो कौन सा हमारे पास बी सी डी ए, बी वाला ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट हो गया। ठीक है आज बीवी का टाइम है। चलिए किसी और का भी टाइम टाइम निकाल देंगे। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 13, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए, फिर कुछ आपको टर्म्स गिवन किए हुए हैं, क्या आंसर अगेन बी। सही है द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए फ्लूइड, फ्लूइड की बात की फर्स्ट, डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग प्रेशर, देन ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड की बात की फिर, डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगेन चीज बात की भी लिक्विड की, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, फिर नन ऑफ द अबव। 13 का एक आंसर दे रहे हैं ए। देखिए इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस की बात की जा रही है, यहां पर हमारे पास में जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा बी वाला, बल्क मॉडुलस की बात की जा रही है कुछ की, तो यहां पर आप इसको देख के मत बताइए आंसर कि इंक्रीज इन प्रेशर तो वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वो इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज, वहां पर वो ये चीज भी इंक्रीज होनी चाहिए थी, यहाँ पर वॉल्यूम इस तरीके से, अगर भाई प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हो तो बल्क मॉडुलस भी इंक्रीज होना चाहिए, तो वो ए तो वैसे ही गलत हो गया, बाकी बचा बी वाला ऑप्शन, तो बी वाला डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि वॉल्यूम में यहाँ पर है, वॉल्यूम को आप यहाँ पर डेंसिटी में भी लिख सकते हो इस तरीके से, जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे डेंसिटी भी हमारे पास में क्या डिक्रीज हो जाती है, डी डिक्रीज हो जाती है, बल्क मॉडुलस हमारे पास में चीजें का डिक्रीज हो जाता है, वही चीज हमारे वो चीज गिवन की भी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन,
NPSH stands for, NPSH stands for, बताइए जरा, हाइड्रोलिक मशीन्स में इसको पढ़ा जाता है, हाइड्रोलिक मशीन्स में इसको पढ़ा जाता है, अगेन बीपी, अरे भाई रुक जाओ, हवस खा लो थोड़ी सी, बीबी थोड़ी ना होगा हर किसी में, है? बीबी की वाइन देख के इतना ज्यादा इंप्रेस हो गई क्या वहां से, बीबी की वाइन देख के हैं, तो बीबी चल रहा है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड किसमें आ रहा है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड डी में, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है 14 का। नेक्स्ट बताइए 15 नंबर, विच प्रॉपर्टी ऑफ मर्करी इज द मेन रीजन फॉर यूज इन बैरोमीटर्स, जनरली बैरोमीटर्स की बात करें या हमारे पास में कहीं पर भी ये काफी बार यूज किया जाता है मर्करी नंबर ऑफ टाइम्स में, किसका रीजन क्या है इसका, इसके बहुत इंपॉर्टेंट दो रीजन होते हैं, क्या इसका आंसर होगा बताइए, अगले वाली की कहा क्या इसका आंसर होगा, इसकी पता है आपको मर्करी वाली इसकी प्रॉपर्टी होती है हाई डेंसिटी होती है और लो वेपर प्रेशर, जिसकी वजह से हम इसको मैनोमीटर्स वगैरह में यूज में लेते हैं, वेरी लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका 15 का। चलिए बताइए नेक्स्ट हमारे पास में द रनवे स्पीड ऑफ ए टर्बाइन, द रनवे स्पीड ऑफ ए टर्बाइन, द एक्चुअल रनिंग स्पीड ऑफ द डिजाइन लोड, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द जनरेटर, द स्पीड अटेंड बाय द टर्बाइन अंडर लो लोड कंडीशन, द स्पीड ऑफ द व्हील व्हेन गवर्नर फेल्स, गवर्नर फेल्स, बताइए क्या आंसर होगा इसका। 16 नंबर का क्वेश्चन, नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपको काफी बार आया है एसएससी में, काफी बार पूछा हुआ, रनवे स्पीड, रनवे स्पीड उसको बोलते हैं जब हमारे पास में कोई लोड नहीं है उस पे, तो जो मैक्सिमम स्पीड वो अटेन कर लेता है उस कंडीशन में उसको रनवे स्पीड बोला जाता है, अंडर नो लोड कंडीशन, याद रहेगा नो लोड कंडीशन की कंडीशन में, तो उसी को रनवे स्पीड कहा जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर इस बार पूछ लिए गए हैं, ज्यादा इस बार न्यूमेरिकली अप्रोच नहीं की गई है। वाटर इज यूजफुल फॉर, 17 नंबर, कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ, कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ हाइड्रोलॉजी में, हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है ये, हाइड्रोलॉजी वगैरह में या फिर इरिगेशन में, किसमें भी, व्हाट इज यूजफुल फॉर, किस लिए वाटर का यूजफुल है, रनिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, फ्लोटिंग बोट्स एंड शिप्स, फॉर्मिंग डबलिंग यूनिट्स, ऑल ऑफ दिस, इसका तो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, डी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका, ठीक है डी इज द करेक्ट ऑप्शन 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, बताइए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ हाइड्रोलॉजी फॉर अ सिविल इंजीनियर इज नेसेसरी फॉर, हाइड्रोलॉजी की नॉलेज हमें क्यों रिक्वायरमेंट है एज ए सिविल इंजीनियर, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड कल्वर्ट्स, फ्लड कंट्रोल वर्क और ऑल ऑफ द अबव, बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका, फटाफट से आंसर देते रहिए, इसका आंसर भी हमारे पास में डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इरिगेशन स्ट्रक्चर वियर बैराजेस डैम्स वगैरह जो भी स्ट्रक्चर होते हैं डेफिनेटली उसके लिए हमें डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, डिस्चार्ज को कहाँ कैलकुलेट किया जाता है एज ए हाइड्रोलॉजी में, हाइड्रोलॉजी में हम स्ट्रीम मेजरमेंट करते हैं, वहां पर हम डिस्चार्ज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली हमें होती है, वहाँ पे हमें रिक्रेस इंटरवल वगैरह की चीजें होती है, मैक्सिमम कब अकर हो सकता है कब नहीं, वो चीजें पूरी ज्यादा वहाँ पे कैलकुलेट की जाती है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एनुअल फ्लड सीरीज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द रिटर्न पीरियड फॉर ए मैग्नीट्यूड लिस्टेड एट अ पोजिशन पीरियड इन एम इन टोटल ऑफ एन एंट्रीज इज, n by n plus 1, m plus n by plus, m by n कुछ यहाँ पर गिवन किए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा बताइए जरा। अरे श्रवण कुमार, अभिलेश मीणा, कोई मीणा पूजा, अरे बाद में कर लीजिएगा ये डिस्कशन, है चीजें बाद में पूछ लीजिएगा, आंसर बताइए फटाफट से, आंसर बताइए, बातें बाद में, डिस्कशन बाद में, इन चीजों को लेकर फटाफट से आंसर क्या होगा इसका बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाएगा, जल्दी से जल्दी फिनिश हो पाएगा ये। नोबिता, अरे नोबिता सिजुका को बाद में ढूंढ लेना, पहले आंसर बता दो, अरे नोबिता आंसर बता दे फटाफट से, क्वेश्चन नहीं समझे सर, अरे ये क्वेश्चन पूछा हाइड्रोलॉजी से, हाइड्रोलॉजी में क्वेश्चन क्या आया था, आपने रिटर्न पीरियड और वहां पर पढ़ा होगा ये चीजें, ये क्या क्वेश्चन है, अगर आपने मुझे पता नहीं शायद, द एनुअल फ्लड सीरीज, एक फ्लड सीरीज गिवन होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम उसको क्या करते हैं सेट करते हैं और फिर वहां से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इंटरवल, वो चीजें पूछी हुई है, तो वही चीज आपसे यहाँ पर पूछी हुई है उसी चीज को लेकर, तो याद रखिएगा ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इट्स गिवन बाय, यहाँ पे हमारे पास में एम अपॉन एन प्लस वन,
नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, हेजल्स फॉर्मूला, विबुल्स फॉर्मूला, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये जो फॉर्मूला आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, ये विबुल्स का फॉर्मूला है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, विबुल्स फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब वी हैव टू कैलकुलेट द रिटर्न पीरियड। रिटर्न पीरियड जस्ट होता क्या है, जस्ट इनवर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस, वो चीज है। और इसी को जब आप रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में डी इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर ये टेस्ट कहाँ पे होता है? ये टेस्ट इंजीनियर्स जो हमारे पास इंजीनियर्स अकेडमी, आप कहते हो इंजीनियर्स अकेडमी की वेबसाइट पे ही होता है ये, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही होता है। जो अगर सेंटर्स पे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं तो वहां पर ऑफलाइन हो जाता है, ऑनलाइन भी हमारे पास में कंडक्ट होता है हर संडे। ये 52 वीक सीरीज है, पूरे साल चलती है, हर संडे को एक अल्टरनेट वे में होता है, एक अल्टरनेट वे हमारे पे। एक वीक में हमारे पास होता है जीएस वाला पोर्शन, जीएस एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, उस वाले का टेस्ट। एक पोर्शन हमारे पास एक अदर संडे को जो होता है वो होता है यहाँ पे टेक्निकल वाला पोर्शन, ठीक है, टेक्निकल टेस्ट, जिस ब्रांच से आप रेस्पेक्टिव है, सभी में होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सबों में होता है ये, ठीक है। तो ये इस बार जो हुआ है वो 52 वीक में ये टेक्निकल पोर्शन हुआ है, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। As compared to gravity dam, earthen dams, as compared to gravity dam को यहाँ पर हम compare कर रहे हैं earthen dam से, तो यहाँ पे बताइए कैसे join करें इसको। देखिए यहाँ पर description में जाइए, इस link जो ये video है इसके description में जाइए, वहां पर आपको कुछ numbers दिए हुए हैं, वहां पर queries है, वहां पर आप बात कर सकते हैं, वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर चले जाइए, वहां पर आपको पता चल जाएगा, numbers पे आप contact कीजिए, उनको बताइए कि आप उनको बोलिए कि हमें 52 वीक सीरीज को ज्वाइन करना है, पूरे साल चलती है ये, पूरे साल 52 वीक मतलब पूरे साल ही चल रही है, एक साल में 52 वीक है, तो उसी को चलती है, उसी अल्टरनेट पे ये क्या होते हैं सिंपल से हमारे पास टेस्ट कंडक्ट होते हैं। मतलब आज अगर एक संडे आ रहा है उस पे अगर कोई जीएस वाला पोर्शन कंडक्ट हो रहा है तो अदर अलग जो अगले संडे होगा वहां पर वो क्या होगा टेक्निकल वाला पोर्शन, इस तरीके से अल्टरनेट वे में चलता रहता है ये, वो चीज है। चलिए साइड हो जाते हैं, आंसर बताइए फटाफट से। एपेनिम्बस की, या भाई नोबिता को पता है, नोबिता सब जानता है, नोबिता के पास डोरेमोन है तो उसके पास सब चीजें पता है उसको। As compared to gravity dam, earthen dams are, बताइए आंसर क्या होगा, are costlier, are less susceptible to failure, require sound for rock foundation, require less skilled labor, क्या आंसर होगा इसका? डी, require less skilled labor। अर्दन डैम्स की बात कर रहे हैं, अर्दन डैम्स में हमें स्किल की रिक्वायरमेंट, जो स्किल लेबर उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है कंपेयर टू ग्रेविटी डैम, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप काफी बार ये क्वेश्चन करते ही करते हैं, काफी बार ये क्वेश्चन हमारे पास में क्या करते ही करते हैं जो इससे आता ही है, ड्यूटी बेस ऑन डेल्टा पीरियड में। बट इस बार क्वेश्चन क्या है, यूनिट्स में चेंजेस किए हुए हैं, हमेशा हेक्टेयर पर क्यू मैक होता है बट इस बार एकर पर क्यू सेक है। इफ द डेल्टा ऑफ एनी क्रॉप इज 0.31 फिट, बेस पीरियड फॉर द क्रॉप इज 62 डेज, देन ड्यूटी इन एकर पर क्यू सेक वुड बी, बताइए जरा। गैजेट नहीं, गैजेट तव्या गैजेट मिलता है इसको सब कुछ है, इसलिए चलिए बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका, एकर पर क्यू सेक में क्या आंसर होगा इसका? नन ऑफ दिस बता दिया किसी ने आंसर, बिना कैलकुलेट कर ही बता दिया, फिट में आंसर हो गया। अरे भाई इसका किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आपको पता होना चाहिए। एक हमारे पास में, हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला होता है 8.64 बी डिवाइडेड बाय ड्यूटी, जो भी आपको कैलकुलेट यहाँ पर डेल्टा कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर ड्यूटी के वैल्यू कैलकुलेट नहीं, तो इसको जस्ट यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर क्वेश्चन इस बार इन्होंने फिट और एकर की उम्मीद दिया हुआ है, तो इसको जब आप चेंजेस करेंगे इस वैल्यूज को, ये मीटर में होता है, ये डेज में होता है, यहाँ पर हमारे पास में हेक्टेयर पर क्यू मैक में होता है, इन वैल्यूज को जो आप चेंज करेंगे एकर पर क्यू सेक में, तो ये जो चेंज होकर वैल्यू आती है 2b अपॉन डेल्टा वैल्यू निकल के आती है। 2b अपॉन डेल्टा मतलब 2 इंटू यहाँ पर हमारे पास में 62 डेज डिवाइडेड बाय 0.31, ये हमारे पास में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट्स को हटाने के लिए 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में 400 इज द करेक्ट ऑप्शन, 21 का यहाँ पे 400 आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, तो इस तरीके से आंसर होगा इसका, बताइए 22, फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी फिनिश करते हैं, फटाफट से होने वाला है। When the reservoir is full, the maximum compressive force in a gravity dam is produced. बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? Compressive force, maximum compressive force, जब हम अपने reservoir full condition पर है, आंसर आपको दिख रहे हैं, options आपको दिख रहे हैं, at the two hill within the middle third, at the center of the base, क्या आंसर होगा बताइए?
क्या आंसर होगा एट द टॉप पॉइंट डेफिनेटली। देखिए यहां पर अगर रिजर्वायर फुल कंडीशन में है तो ये एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरीके से समेशन ऑफ है, वर्टिकल फोर्स इसका, और इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से पास करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये टॉप पॉइंट हो गया, तो टॉप पॉइंट में मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहां पर टो इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द ओवरटर्निंग अबाउट द टो फॉर ग्रेविटी डैम शुड बी ग्रेटर देन। ओवरटर्निंग के केस में आपसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है, बताइए। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से आंसर दे दीजिए। इसका आंसर बहुत लोग डिफरेंट से दे रहे हैं, 0.5 दे रहे हैं, कोई 2 दे रहा है, कोई 1.5 दे रहा है, कोई 2.5 दे रहा है। ये वाली चीज तो आपने आरसीसी वगैरह में भी पढ़ी होगी, जब वहां पर कैंटिलीवर जो वॉल्स वगैरह होती है उसकी स्टेबिलिटी की बात होती है, वहां पर स्टेबिलिटी में भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है अगेंस्ट ओवरटर्निंग, तो वही वैल्यू यहाँ पर भी यूज में ली जाती है, 1.5 वैल्यू यूज में ली जाती है, 1.5 शुड बी ग्रेटर देन 1.5, 2 वैल्यू नहीं लेते हैं, 2 नहीं लेते हैं, 1.5 वहां पर ली जाती है अगर कोई 2 आंसर दे रहा है तो। ओके चलिए नेक्स्ट की बात करें 24। If the electrical conductivity of water is n between 0 to 20 micro mhos per centimeter at 25 degrees Celsius, then it's classified as okay. Sir, sliding में है 1.5, एक बार वापस से चेक कीजिए वहां पर क्या क्वेश्चन पे है। वन पॉइंट फाइव ओवरटर्निंग केस में भी यूज में ली जाती है, वापस एक बार देखिएगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए फटाफट से। क्या इसका आंसर होगा, किस कैटेगरी में इसको डालेंगे, गुप्ता एंड गुप्ता। एक बार आप जब गुप्ता एंड गुप्ता देखते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे गिवन किए हुए हैं, तो एक बार आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स में भी चेक कीजिएगा, स्टैंडर्ड बुक्स में क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि गुप्ता एंड गुप्ता में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं और वहां पर उन्होंने क्या मार्क किया है उसके बेसिस पे चीजें गिवन होती है, बट कभी कभी क्वेश्चन वहां पर करेक्ट भी हो जाते हैं, तो एक बार उसमें आप चेक कीजिएगा। 24 में बताइए जरा, 0 से 250 की बात कर रहा है, 0 से 250, फिर 250 से हमारे पास में 750 को चलता है, इस तरीके से रेंजेस जाती है, फिर 750 से हमारे पास में 2250 को जाती है, फिर ग्रेटर देन 2250 को जाती है, कुछ इस तरीके से रेंजेस चलती है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा लो सैलिनिटी वाटर। ठीक है, लो सैलिनिटी वाटर 24 का हमारे पास में ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, यूपीएई के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एवापोट्रांसपिरेशन इन अ क्रॉप फील्ड सराउंडेड बाय ड्राई फैलो लैंड, क्वेश्चन है एवापोट्रांसपिरेशन इन अ क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड है सराउंडेड बाय अ फैलो लैंड विल बी higher than surrounded by a vegetation due to, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, किसकी वजह से, कंडक्शन ऑफ हीट, ओसियस इफेक्ट, क्लोथ लाइन इफेक्ट, कन्वेक्शन इफेक्ट। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एवापोट्रांसपिरेशन इन ए क्रॉप फील्ड, एक क्रॉप फील्ड है सराउंडेड बाय ड्राई फैलो लैंड, क्रॉप फील्ड है एक ड्राई फैलो लैंड है, उसके जो नियर बाय है वहां पर ड्राई लैंड है, मतलब बहुत ही ज्यादा ड्राई लैंड है, कुछ यूटिलाइज उसका ही नहीं किया जा रहा है, विल बी हायर मतलब अगर ड्राई लैंड यहां पर है तो यहां पर जो इवापोट्रांसपिरेशन है वो हायर कंडीशन में है, उसकी वैल्यू ज्यादा है देन सराउंडिंग बाय वेजिटेशन, सराउंडिंग बाय वेजिटेशन। दो कंडीशन है, एक कंडीशन है ये हमारा क्रॉप एरिया है, जो नियर बाय एरिया है वो ड्राई लैंड है, दूसरी कंडीशन है अगेन यहां पर एक क्रॉप एरिया है और जो नियर बाय एरिया है वो वेजिटेशन कवर है, वो वेजिटेशन कवर है। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इस वाली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में जो सीयू की जो वैल्यू है, एवापोट्रांसपिरेशन की जो वैल्यू है वो ज्यादा है कंपेरिजन टू दिस कंडीशन, तो ये किस इफेक्ट की वजह से है, वो चीज आपसे पूछ रहा है किस क्वेश्चन में, बताइए जरा 25 में। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट दी हुई है आपको, एक समय आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में भी ना आए, लेकिन अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया, समझाया अब ये कौन सा इफेक्ट होता है वो चीज आपसे पूछ रहा है।
ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा ये ओसियस इफेक्ट इसको बोलते हैं, इसकी वजह से हमारे पास में इवापोट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा जब नियर बाय ड्राई लैंड होगा कंपेरिजन टू वेजिटेशन, ये चीज हमारे पास में होगी। नॉर्मली यहां से होना चाहिए इवापोट्रांसपिरेशन ज्यादा। इवापोट्रांसपिरेशन होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको पता होना चाहिए, इवापोट्रांसपिरेशन इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज यूटिलाइज बाय द क्रॉप फॉर देयर ग्रोथ पीरियड। तो यहां पर थोड़ा ज्यादा होगा नॉर्मल कंडीशन में, बट ये ज्यादा इस कंडीशन में होता है, तो इसको बोलते हैं ओसियस इफेक्ट। ये चीज होती है 25 के केस में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार आया हुआ है यूपी के एई एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन थोड़े फिनिश होते हैं इसके, बाकी के ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हमारे पास फिनिश हो गए हैं, एनवायरमेंटल से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से, एनवायरमेंट के क्वेश्चन। अब ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट कुछ। बताइए जरा 96 नंबर, व्हाट इज द साइकोलॉजिकल बाइंडिंग ऑफ ए पेमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 230 ऑफ रोलिंग स्पीड 80 km/h। नव्या सिंह 26 का आंसर दे रहे हैं, 26 ऑलरेडी आई थिंक डिस्कस हो चुका है सारे पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, फटाफट से आंसर बता दीजिए। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग आपको कैलकुलेट करनी है पेमेंट विड्थ के लिए, तो उसको वैल्यू आपको यहाँ पर डेटा गिवन किया हुआ है, आपसे पूछा हुआ है आंसर क्या होगा इस केस में, बताइए। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग का फॉर्मूला ही टाइप कर दीजिए आप, तो फॉर्मूला टाइप कर दीजिए कैलकुलेट वगैरह, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डेफिनेटली यू कैन कैलकुलेट क्या होता है साइकोलॉजिकल वाइंडिंग का फॉर्मूला, बताइए जरा फटाफट से। 96 में क्या आंसर होगा, 96 में v स्क्वायर अपॉन 9.5 r, एक आंसर दे रहे हैं अभिलेश मीणा। चलिए तो देखिए अभिलेश, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने की जरूरत है, तो लगता है भूल गए आप। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग की बात करें तो इसकी वैल्यू गिवन होती है v अपॉन 9.5 root r। एक मैकेनिकल वाइंडिंग भी होती है, उससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तब वो आएगा तब डिस्कस करेंगे। v अपॉन 9.5 root r, यहाँ पर ये हमारे पास साइकोलॉजिकल वाइंडिंग की सारे डेटा आपको गिवन किए हैं, 80 km/h आपको गिवन किया है, 9.5 ये वैल्यू km/h में आपको रखनी है, पुट करनी है, आर की वैल्यू आपको यहाँ पर इसमें ही पुट करनी है, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, कुछ वैल्यू निकल के आ रही होगी, क्या आंसर आ रहा होगा यहाँ पे आप डिस्कस बताइए, किसने कैलकुलेट किया हो, किसी ने बताया हो, यहाँ पर आंसर 0.5 96 में आंसर 0.5 97। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर बताइए इसका, अगर आपके पास कैलसी है मोबाइल में है तो आंसर इसका कैलकुलेट करके बताइए तेजी से, इसका आंसर आप कैलकुलेट करके बताइए बराबर। इफ एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 इन 50 मीट्स अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 इन 50, एक ग्रेडियंट n1 जो कि हमारे पास असेंडिंग है, दूसरी ग्रेडियंट जो कि डिसेंडिंग है 1 इन 50, द लेंथ ऑफ सबमिट कर्व फॉर अ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, यहां पे SSD की जो वैल्यू गिवन है वो है 80 मीटर, क्या आंसर होगा इसका, कैपिटल N, N1 माइनस N2, 2/50 दोनों ऐड हो जाएंगे वैल्यू, क्या आंसर निकलेगा इसका, 58.18, एक अभिलेश मीणा ने आंसर दिया 58.18, बहुत तेजी से आंसर दिया, मतलब क्या आंसर होगा इसका फिर, D, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सारा डेटा गिवन किया हुआ है, जैसे ही आपको देखना है आपका फर्स्ट अजम्पशन जो होता है कि लेंथ ऑफ सबमिट कर इज ग्रेटर देन, हमारे पास में क्या है SSD है, आपने जब ये अजम्पशन लिया है तो आपको लेंथ ऑफ सबमिट कर किस तरीके से निकालते हैं, NS स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास में 4.4, ये आपने अप्लाई कर दिया, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा, कुछ आंसर क्या निकल के आएगा बताइए जरा, 60 मीटर आंसर निकल के आ जाएगा, 60 मीटर आंसर निकाल के आ गया, डी आंसर आपने पुट कर दिया, गलत हो गया आपका, यहाँ पर ही गलत हो गया, क्वेश्चन आपका रॉन्ग कर दिया भाई। अजम्पशन हमने क्या लिया था, L is greater than SSD का मतलब यहाँ पर L की वैल्यू SSD से ज्यादा आनी चाहिए थी, मतलब 60 मीटर यहाँ पर आया, बट ये 60 मीटर तो SSD से कम है, मतलब हमारे पास L की वैल्यू लेस देन SSD है, मतलब आपने 60 मीटर जैसे लगाया वो आंसर गलत हो गया, मतलब आपका जो गलत क्या हो गया, रॉन्ग आंसर आपने पुट कर दिया, क्योंकि ये अजम्पशन ही रॉन्ग था। चलिए दूसरा assumption हमारे पास में क्या होता है, जब L की वैल्यू
सेकंड अजम्पशन, जब ये काम नहीं किया तो एल इज लेस देन एस एस टी। इस कंडीशन में हमारे पास लेंथ ऑफ सबमिट कर्व किस तरीके से गिवन होती है, वो चीज यहाँ पे 2s माइनस 4.4 डिवाइडेड बाय हमारे पास में क्या वैल्यू, कैपिटल n की वैल्यू। इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर अरे क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा हुआ है ये। तो यहाँ पर क्योंकि डीपली थोड़ा पूछा हुआ इन्होंने, इस बार डीपली पूछा, इस बार डायरेक्टली नहीं पूछा। अब आपको सेकंड अजम्पशन l इज लेस देन ssd, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पर 2 ssd की वैल्यू हमारे पास, ssd की वैल्यू थी 80 माइनस 4.4 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारे पास में थी 2/50। निकाल के देखिए आंसर इसका, आंसर आएगा बताइए क्या आंसर आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो। महादेव बोल रहे क्वेश्चन ही गलत तो आंसर गलत, क्या आंसर आएगा इससे निकाल के कोई बता सकता है कैलकुलेट करके? जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, तो आंसर वैल्यू निकल के आएगी क्या, 50 meter। ठीक है, दिस इज द करेक्ट थिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा, 50 इज द करेक्ट आंसर। तो 50 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोनों चीजों का आप लगवा लीजिए यहाँ पर, याद रखिएगा वो जो आप लगाते हैं 4.4 वो किस पे है हमारे पास होता है, वो उसका एक अजम्पशन होता है कि एल इज ग्रेटर देन एस एस डी। ओके चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट साइकोलॉजिकल और मैकेनिकल बाइंडिंग के लिए। आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है साइकोलॉजिकल बाइंडिंग, अभी हमने देखा था ये होती है वी अपॉन 9.√r। यहाँ पे हमारे पास मैकेनिकल बाइंडिंग विच इज एन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट, साइकोलॉजिकल बाइंडिंग एक्स्ट्रा बाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन्स, तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर ऑफ लेन्स पर डिपेंड नहीं करती तो गलत हो गया। मैकेनिकल बाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ व्हीकल, मैकेनिकल बाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन द व्हीकल नहीं करती है, गलत हो गया। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन द व्हील ऑफ द बेस, साइकिल में जो बाइंडिंग है डिपेंड्स अपॉन द व्हील ऑफ द बेस, व्हील बेस पे डिपेंड कर रही है क्या, नहीं कर रही, गलत हो गया। साइकोलॉजिकल बाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ द व्हीकल पे डिपेंड कर रही है, करेक्ट ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस 98 में। चलिए बताइए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 99, द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 60 kmph, मिनिमम रेडियस इज इक्वल टू, किस तरीके से निकालते हैं यहां पर मिनिमम रेडियस, वी स्क्वायर अपॉन 127 ई प्लस एफ, ई की वैल्यू, ये मिनिमम की वैल्यू चाहिए, मतलब ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में b की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 60 डिवाइडेड बाय 127। हॉरिजॉन्टल कर्व की बात की जा रही है यहां पर, एक्चुअली बोला नहीं है कि प्लेन या फिर किस में, तो आपको प्लेन में ही निकालनी पड़ेगी वैल्यू। प्लेन में आपकी e की वैल्यू 0.7, इसकी वैल्यू 1.5, पुट कर दीजिए आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल ही आ रहा है। चलिए सत्येंद्र शर्मा बोल रहे हैं अरे आपसे आपने कौन सा सब्जेक्ट आपने मुझसे पढ़ा है हाँ? तो ये हमारे पास में 99 का जो आंसर निकल के आ जाएगा, इस फॉर्मूले से आप पुट करेंगे वो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ जाएगा इस तरीके से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 100 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कंडक्टिंग ओएनडी स्टडी, ओएनडी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, कौन सा ऐसा मेथड है जो यहाँ पर उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बताइए, ट्रेपेजोइडल, रिटर्न पोस्ट, रोड साइड, टैगन कार, ये तो आप देख के बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं कौन सा यहाँ पर होगा, बहुत तेजी से कौन सा हमारे पास में होगा, ओरिजिन डेस्टिनेशन के बारे में ये पूछ रहा है। ट्रेपेजोइडल क्या निकालते हैं इससे हम, एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम के लिए हम यूज करते हैं ट्रेपेजोइडल रूल मेथड को, जनरली सर्वे वगैरह में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ओरिजिन डेस्टिनेशन के लिए बाकी के सारे मेथड यूज में लिए जाते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम के लिए ये चीज यूज मिल जाती है। ओके तो 100 का हमारे पास ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे हमारे पास 52 विक्ट्री का सीरीज का यहां पे टोटल यहां पर होता है फिनिश। ठीक है, तो फिर यहां पर सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, चलिए बहुत अच्छा, फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट शेड्यूल में, किसी कोई भी जब हमारे पास नेक्स्ट पेपर होगा किसी भी तरीके में। ओके चलिए, गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।